वकील हमारी न्याय व्यवस्था का आधार है। न्याय जो पहले काफी जजों ने दिया ही नहीं है, एक दृढ़ निश्चय वकील ऐसा कर सकता है। आहा, घर के बने स्वादिष्ट खाने से बेहतर कुछ भी नहीं। सुनो, तुमने कहा था हम एक साथ खाएंगे, है ना? आओ, किसके इंतजार कर रहे हो? मैं बस सोच रहा हूं कि फैसले पर उनकी क्या प्रतिक्रिया होने वाली है। ये मायने क्यों रखता है? हम अपने सामने मौजूद सबूतों और गवाहों की पूछताछ के आधार पर फैसला करते हैं। अगर उन्हें जजमेंट पसंद आया तो वो मान लेंगे, वरना वो आगे लड़ने के लिए हाई कोर्ट चले जाएंगे। बट एज ए जज, इट्स नॉट एट ऑल करेक्ट कि उनकी निजी जिंदगी के बारे में सोचे। क्या आप कुछ कहना चाहती हैं? सर, मैं अपने पिता की कसम खाकर कहती हूँ, इंटरव्यू वाले दिन वो मुझे घूर रहा था। नहीं, उसने कई बार मुझे अकेले मिलने पर जोर दिया। जब मैंने मना किया तो उसने मेरी न्यूड फोटोज का इस्तेमाल करके मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की। नहीं सर, ये सच नहीं कह रही है सर। जब मैं इसके खिलाफ पुलिस स्टेशन कंप्लेन करने गई तो इसने पुलिस को कहकर मुझे समझा बुझा कर वापस भेज दिया। मुझे लगा एटलीस्ट कोर्ट तो मेरे साथ जस्टिस करेगा, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। अब मेहरबानी करके। खैर, इतना काफी है, हमने आपका बयान सुन लिया। पूरा फिल्मी था कि लिखने के लिए जरूर किसी को हायर किया होगा। मुझे यकीन है आपने ये लाइन प्रैक्टिस करके रखी है। किसी भी मामले में कोर्ट को एविडेंस और गवाह चाहिए, या आपकी इमोशनल एक्टिंग और दिखावे आंखों नहीं चलेंगे। योर ऑनर, मैंने आपको पहले ही प्रूफ कर दिया है कि अमूल्य यहाँ फंसाने की कोशिश कर रही है। कोई लड़की ऐसी गुस्ताखी फिर ना करे, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सही फैसला कीजिए और इसे सबक सिखाइए। दैट्स ऑल योर ऑनर। सभी एविडेंस को एग्जामिन करने के बाद यह साफ है कि कुमारी अमूल्या के आरोप निराधार हैं, और अदालत का ये मानना है कि उसने पैसों के लालच में मिस्टर विवेक को फंसाया है, जो कि सरासर गलत है। तो अदालत कुमारी अमूल्या को वार्निंग देती है और उस पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाती है। The court is dismissed. क्या कर रहा है? जो मैं एक जज के तौर पर नहीं कर पाया वो मैं यहाँ पर्सनली करने आया हूँ। आपको रिकमेंड किया है केएल इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट लेक्चरर के लिए। आप कल से शुरू कर सकती हैं। नहीं सर, आपको मुझे कोर्ट में न्याय देना चाहिए था, यहाँ अकेले में नहीं। उन्होंने इतने सारे लोगों के सामने मेरा अपमान किया, मुझे तो शीशे के सामने भी कपड़े बदलने में शर्म आती है। और सिर्फ इसीलिए कि मैंने सोचा कि कोर्ट से मैं जस्टिस मांग सकती हूँ, उन्होंने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। ऐसा मत कहो बेटा। सर, अगर आप सच में मेरी मदद करना चाहते हैं तो फिर आप कोर्ट में कभी पैर मत रखिएगा, और ये काला कोट उतार के फेंक दीजिए। सर, यू आर अनफिट फॉर दिस जुडिशियल सिस्टम। हेलो, क्या मैं तुम्हारे फादर से बात कर सकता हूँ? पापा, आपके लिए फोन है। हेलो सर, द
दिस इज एसआई शिवराव। हाँ। अमूल्या ने फांसी लगा ली सर। क्या? हाँ सर, आपके जाते ही ऐसा हो गया। जनता को लगता है कि आप ही उसकी मौत के लिए दोषी हैं। प्लीज सर, यहाँ आइए। रेसिग्नेशन? लेकिन क्यों? आपने यहाँ तक आने के लिए बहुत मेहनत की है। और क्या? मैंने क्या किया? मैं जज की कुर्सी पर बैठता हूँ, जो बहुत ही पवित्र है। लेकिन अगर जनता मेरे और मेरे फैसले का सम्मान ही नहीं करती, तो फिर मुझे ऐसी जगह पर काम आखिर करना क्यों चाहिए? जिस आदमी को जेल में होना चाहिए था वो गेस्ट हाउस में है, और जिस लड़की को कॉलेज में होना चाहिए था वो मर चुकी है। इस काले कोट ने उस लड़की के साथ बिल्कुल भी न्याय नहीं किया, तो मेरे इसे पहने ना पहनने से क्या फर्क पड़ता है? भले ही हम इतने मजबूत नहीं है कि सिस्टम बदल पाए, पर हमें सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए। जब अमूल्या जिंदा थी तो मैं उसे न्याय नहीं दिला पाया, लेकिन मैं उसे अब न्याय जरूर दिलाकर रहूंगा। आइए सर, हम कितना भी विरोध कर लें, ये लोग अपना काम बंद नहीं करेंगे। हे, रोक रहे, काम रोक, अबे बोला ना रोक। एक बार बोलने से समझ नहीं आता क्या? ये मैथिली कंस्ट्रक्शन के स्कैम का कोई अंत नहीं है। उन्होंने हमारी कम्युनिटी की 200 एकड़ जमीन हड़प ली है। सर्वे का हथकंडा देकर हमारे साथ धोखा किया है। उन्हें रोकने की कोशिश की तो हमें ही परेशान किया है। पासबुक दिखा। हाँ देखिए सर, आप खुद देखिए। यहाँ लकी, ये सब क्या है? जब उनके पास इतनी क्लैरिटी है तो उन्हें कोई तुम जैसा क्यों नहीं मिल रहा, जो स्टे ऑर्डर लेकर कंस्ट्रक्शन रुकवा दे? पापा, ये इसलिए कि उन्हें पता नहीं कि आप जैसे जज भी हैं, जिन्होंने इसलिए इस्तीफा दिया क्योंकि उन्होंने जस्टिस नहीं दिया, और मेरे जैसे वकील भी हैं जो पैसों के लिए काम नहीं करते बल्कि ज्यूडिकल सिस्टम को बचाने के लिए करते हैं। करेक्ट। मैं हमेशा कमजोरों को न्याय दिलाने के लिए लड़ता हूँ, चाहे ओपोनेंट कितना भी अमीर क्यों ना हो। यस बेटा, मैं एक काम करूंगा, उन लोगों से नंबर लेकर आऊंगा और फिर तुम्हें दे दूंगा। पापा, वो आपको उसका नंबर क्यों देंगे? देखो, वो उसी कंपनी का प्लॉट खरीदने का एडवर्टाइजमेंट्स दिखा रहे हैं जिसकी वो आलोचना कर रहे हैं। ये सब कमर्शियल है, ये हमारे जैसे एथिकल नहीं है पापा। इसीलिए उसे सीधा मेरे पास लाने की कोशिश करो, हम उसकी हेल्प करेंगे, उसे बचाएंगे। सीनियर, द क्लाइंट इज रेडी। ये एक नया क्लाइंट है। कमिंग। ओके, बाय पापा। उससे कॉन्टैक्ट कैसे करें ये सोचिए। पाशा, मोल सिटी पाशा। जमीन पर मुसलमानों का कब्जा था, मुझे लगा ये सस्ती होगी तो मैंने खरीद लिया, लेकिन वो वहां पर भी आ गए। मैं इस मामले को सुलझाने के लिए कुछ लोगों के साथ उनसे मिलने गया, लेकिन उन्होंने उनके चेहरे पर थूका, उनके सर फोड़े और हंगामा किया, और वहीं सेटल्ड हो गए। उन्होंने निकलने से मना कर दिया। अगर हम उन्हें कोर्ट में भी ले गए तो लगता नहीं कि वो मानेंगे, इसे कोर्ट से बाहर सुलझाना पड़ेगा। बताया ना, हमने कोशिश करके देख ली। पता नहीं लक्की लॉयर क्या कर सकता है। चाहे आप इसे हल्के में ले रहे हो, खुद को ज्यादा समझ रहे हो, मुझे मैटर पता नहीं है। हम बस मैटर को सेटल करना चाहते हैं। मैं बस उस साइड पर खुशी से पेशाब करना चाहता हूँ। बहुत टाइम हो गया है। सुनो, यहाँ
सिर्फ पेशा भी नहीं, आप पक्का है उनका कि हमारा बैग? जो कहा, ये कोई कॉमेडी प्लेटफॉर्म नहीं है। प्लीज नाराज मत होइए सर, प्लीज। हमने जिसे भी हायर किया सबने ऐसी अपनी तारीफ की है, लेकिन वो काम नहीं कर पाए। आपके जूनियर की तारीफ सुनकर लगता है कि काम हो जाएगा। क्या हमें आपकी फीस डिस्कस करनी चाहिए? आप ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ पर फीस डिस्कस नहीं होती। आहा। ये एक्स जस्टिस मिस्टर सूर्य नारायण का घर है। नमस्कार सूर्य नारायण, नमस्कार सर। हाँ खुश रहो। बस दोपहर में मीटिंग के लिए रेडी रहना। क्या आज? हाँ हम आज ही मैटर को सेटल कर लेंगे। सही क्या कोई प्रॉब्लम है? मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मदद क्यों नहीं कर रहे हो? कुर्सी ठीक से नहीं रख सकते थे? मैं लॉयर लकी बोल रहा हूँ। नमस्ते ब्रो। मैंने पाशा के ओपोनेंट का केस लिया है और मुझे मारने के लिए आदमी आए सर। ऐसा आग मत लगाओ जो बुझा ना पाओ, समझे? आपने केस ही क्यों लिया? सर मैंने अभी केस लिया है, प्लीज आकर मुझे बचा लो सर। केस की इन्फॉर्मेशन उससे आई है, तुम्हारे को मारने के बाद ही आता देख। पाशा भाई ये करेक्ट नहीं है। नहीं ये करेक्ट नहीं है, खड़े रहकर किसी वकील को बहस करने देना ठीक नहीं है, सजा होनी चाहिए। अच्छा इसे सेल्फ डिफेंस कहते हैं। अरे जब भी कोई किसी को मारने की कोशिश करता है तो खुद को बचाने के लिए हमें उन्हें बाउंस करना होता है, फिर हवा में फेंकना और ऐसे तोड़ना या इस तरह धक्का देना। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। सेल्फ डिफेंस एक्ट सेक्शन 302, 324 और 325 में ऐसा लिखा है, तो मुझे खुद को बचाना होगा। मुझे तुमसे अपनी जान बचानी चाहिए। आओ आ जाओ। चल भाग रहे। अरे यहाँ हुआ क्या है? सर 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 सर, सर मुझे बचाइए सर, मेरी मदद कीजिए सर। ये क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे तुमने उन्हें पीटा है। मुझे पता था आप यही कहेंगे, इसीलिए मैंने सबूत के तौर पर उसे वीडियो शूट करने के लिए कहा। देखो यस सर, सब रिकॉर्ड हो गया है। इतना ही नहीं, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि आपने ही मेरी इन्फॉर्मेशन उन्हें दी थी, मैंने ये भी रिकॉर्ड किया है। अरे सुनो, मैं तुम्हें इस मामले में बहुत अंदर तक घसीट सकता हूँ। हे भगवान, एक्चुअली न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये नंबर मेरे लिए अच्छा नहीं है। चलो बैठ कर मामले को सुलझाते हैं। देर क्यों करे, चलो। ओके, ये लो सैंडविच सैंडविच, सबको चॉकलेट्स बांटो। ये क्या भाई साहब, क्या आप सारा मैटर ये सब चॉकलेट से निपटाते हैं क्या? क्या ये मैं तुम्हारे गले में डाल दूं? बात ये नहीं है साहब,
फोटोकॉपी की शेड्स की फर्नीचर की पेट्रोल की सर्कुलर क्या क्या सर? आप खाता बनाना बंद करो। कितना हुआ? 10,000? लाख होगा? होगा सर। इतनी सी बात? जब मैं मैटर को सुलझाता हूँ तो दोनों पार्टियों को खुश होकर जाना चाहिए, पिटने के बाद भी। हेलो, यहाँ तक कि आप भी कोई फीस नहीं ले रहे, आप उनसे कैसे वादा कर सकते हैं कि उन्हें 1,00,000 मिलेगा? ये अचानक मुझे कैसे देख सकता है? वाह मेरे चालाक क्लाइंट, तो तुम ये करते हो, तुम एक वेंडर हो। अपने डार्क सर्कल्स को छुपाने के लिए ये सनग्लासेस पहनते हो ना? हाँ हाँ। ठीक है फिर, उसके लिए 25,00,000, मेरे लिए एक फॉर्चुनर गिफ्ट दो। 10,000 25,00,000 कैसे हुए? 0 फॉर्चुनर कैसे बन गई? मैंने इतने बड़े साइड का इशू सेटल किया। क्या तुम चाहते हो मैं अभी भी इस पुरानी कार में घूमूं? हां, मेरे मना करने पर भी मेरे घर के सामने तुम व्हाइट लेजेंडर खड़ी करोगे? ओ, अब मैं समझा कि फीस लेने से मना क्यों किया था। मैं उससे बता दूंगा तुम्हारे बाबा को। क्या बताओगे? वो अपने स्टोर में आने वाले हर एक कस्टमर को ये बताते रहते हैं कि उनका बेटा कितना महान है। हाँ। लेकिन मैं उन्हें बताऊंगा कि वो पैसों के पीछे है, वो एक चालाक लॉयर है, उनके आगे खोलूंगा। उनके आगे खुलने से पहले तुम अपनी बंद कर लोगे? हाँ, कैसे बताता हूँ, जरा मुझे गन देना। हाँ, गन दो। नहीं भाई, हैचअप लोडेड है सर। फुल्ली वो चश्मा पहनो। क्यों? क्योंकि तुम्हें आदत है अवॉइड करने की। हाँ, वो तुम्हें अटेम्प्ट टू मर्डर केस में जेल में डाल देंगे। अंडर आईपीसी सेक्शन 307, 506 और आर्म्स एक्ट 24 मेरे क्लाइंट पाशा को सेटलमेंट के लिए बुलाने, उसके सर पर बंदूक रखने और उसे पेपर पर साइन करने के लिए मजबूर करने के लिए। ए भगवान, तुम रुको, मुझे बताओ तुम क्या कहने वाले हो। ओके, मुझे बता दो। तुम एकदम वैसे ही इंसान हो जैसे कि मेरे पापा इस समाज को दिखाना चाहते थे कि कभी झुकना नहीं चाहिए झूठ के सामने। तुम भी वैसे ही। करेक्ट। और तुम अपने करप्ट एटीट्यूड से क्रिमिनल लॉयर्स को क्रिमिनल्स का लॉयर बनाने में लगे हुए हो। क्या तुम क्रिमिनल लॉयर हो भी? ये भी करेक्ट है। नहीं, मैं क्रिमिनल मेंटेलिटी वाला लॉयर। मुझे समझ में आया, मैं कुछ और भी सोचा था। हाँ। लेकिन तुम गुस्सा नहीं कर पाओगे। और वो क्या? केस लेने से पहले तुमने फीस लेने से मना कर दिया था, लेकिन काम होने के बाद तुम लोगों को मजबूर कर। बॉडी लैंग्वेज संभालो, अगर गलती से भी अश्लील हरकत की तो तुम अंडर सेक्शन 504 में 3 साल के लिए जेल जाओ। कल सुबह 10 बजे नई कार लेके चुपचाप मेरे घर आ जाना। Yes, मुझे सल्यूट मत करो, मैं कोई हीरो नहीं हूँ। तुमने हमें हिंट दिए थे फिर भी हम समझ नहीं पाए। गुरु को दे दो। अरे, तुम ये बुके किस लिए लाए हो? उसे बोलो कि ऐसा इसलिए क्योंकि आप उसके पिता हैं। अरे, तुम्हारी कार की चाबी इसमें फंसी रह गई शायद। अयो, फंसी नहीं है सर, हमने इसे यहाँ रखा है, आपके बेटे का गिफ्ट है। क्या कार? पर इस 5,00,000 की कार की क्या जरूरत है? उन्हें बताओ यार। सर, 150 रुपए के बकेट में खाली 5,00,000 की कार, क्या आपको लगता है कि आपके बेटे की रेंज है? वहाँ देखिए, ये तो टोयोटा फॉर्च्यूनर 7-सीटर लेजेंडर। नहीं नहीं, मेरा मतलब देखो, जब मैं जज था तो मैंने बहुत से केसेस जीते हैं, पर मैंने एक पेन तक गिफ्ट में नहीं लिया। सर, क्योंकि सरकार आपको काफी स्टेशनरी प्रोवाइड करवाती है, इसे उसके साथ कंपेयर मत कीजिए। सुनो, गिफ्ट छोटा या बड़ा मायने नहीं रखता, अगर उसने अभी स्वीकार कर लिया तो अगली बार कुछ बड़ा पाने की उम्मीद करेगा। पापा, उसे बिगाड़ो। पापा, पापा। नमस्ते सर। नमस्ते। मैंने तो इनसे फीस तक की उम्मीद नहीं की थी, मैं उनसे गिफ्ट की उम्मीद भला क्यों करूंगा? क्या आप भूल गए पापा, आपने मुझे कैसे पाला है? आपने मुझे लोगों को न्याय देना सिखाया है और अपने सारे खर्चों को 1,116 रुपए में पूरा करना सिखाया है, और मैं यही प्रैक्टिस करता रहता हूँ। भगवान, मैंने कल तुमसे क्या कहा था? आपने हमें क्या बताया था सर? भले ही आपने इस केस में मेरी वजह से 1,00,000 रुपए कमाए हो, आपको ही सब मजे लेने हैं, मुझे 1 भी रुपया मत देना। क्या मैंने नहीं बताया था? काश आपने हमें ऐसा बताया होता सर। तुम्हारा मतलब मैंने तुम्हें नहीं बताया? बताया था सर। बताया था, बताया। फिर मुझे बहलाने के लिए और लालच बढ़ाने के लिए ऐसा गिफ्ट क्यों लाया? हम इसे वापस ले जाएं क्या? हाँ, सेक्शन 503 के मुताबिक इसे वापस ले जाओ। आप अभी सेक्शंस की बातें क्यों कर रहे हैं बताइए? अगर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा तो तुम मुझे और पापा को कन्विंस कर लोगे और गिफ्ट दे जाओगे। ये बात है। ओ हाँ, मैं समझ गया। हाँ सर, ये आपके लिए नहीं है, आपको इसे हमारी खुशी के लिए एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है, अब इसको एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं है कि अगली बार तो मेरे लिए रेंज रोवर लेके आ जाओ। नहीं, अगली बार हम फीस देंगे, हर मानी गई बात को डॉक्यूमेंट करेंगे और हम सब उस पर अंगूठा भी लगाएंगे। ओके, हम इस गाड़ी को अफोर्ड नहीं कर सकते सर। सर, पहले बकेट ले लीजिए सर। पापा, मैं ये गिफ्ट नहीं छू सकता, पर जैसे आपने आंखों में पट्टी बंधी न्याय की मूर्ति के सामने सही से न्याय किया है, वैसे ही अपनी आंखें बंद करके इनसे ये चाबियां ले लीजिए पिताजी। ले लीजिए सर। ले लीजिए। ले लिया, ले लिया। ओके। लोकप्रिय शो पुष्पक विमाना, डेली सीरियल, एपिसोड नंबर 6932। रोल कैमरा
एक्शन। ऑर्डर ऑर्डर। सर ये नुकसान। अपना मास्क लगाओ फिर बोलो। माफ करना सर। एक पिता होने के नाते आप अपने बेटे के बर्ताव के बारे में कैसे महसूस करते हैं? बोलो। अरे तुम आज चुपचाप क्यों खड़े हो? जवाब मैं दूंगी योर ऑनर। लॉयर झांसी, आप इस केस की पैरवी करने खुद आई हैं? यस माय लॉर्ड, मैं ना सिर्फ इस केस की पैरवी करूंगी लेकिन मैं इस पिता का दुख उनके कैरेक्टर में जाकर उनकी एग्जैक्ट फीलिंग के साथ उनके शब्दों में ही आपको बताऊंगी। ओके, क्या हम प्रोसीड करें? यस प्लीज प्रोसीड। बैठ जाओ बैठ जाओ। सर हम किराने की दुकान चलाते हैं, हमने उसे वकील बनाने के लिए मेहनत की क्योंकि हम चाहते थे कि वो लोगों का भला करके उनका दिल जीते। हमने उसे फीस लेने से मना किया लेकिन उसने फीस के बदले गिफ्ट लेकर उनका खून चूसा। ठीक है ये सब हो गया लेकिन अब क्या? आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि आपको आपका हिस्सा नहीं मिला? नहीं योर ऑनर, मुझे उसका करप्ट पैसा और वो नहीं चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि वो मुझे पापा ना कहे। हे यहाँ देखो, मैं उसे डिवोर्स देना चाहता हूँ। क्या बाप और बेटे के बीच डाइवोर्स होता है? डिस्गस्टिंग। आप हमें परमिशन दें। मुझे लगता है वो अपने डायलॉग भूल गई सर। बताओ मुझे क्या है बेवकूफ। मैं बताता हूँ सिस्टर, इस बाप बेटे के रिश्ते को खत्म करना चाहिए। मेरी मौत के बाद वो मेरी लाश भी ना पाए। वो नहीं करेगा लेकिन आपकी मौत में तो बहुत टाइम है, जल्दी क्या है? अरे नहीं योर ऑनर। नहीं योर ऑनर, मैं कोर्ट में पहले ही हार्ट अटैक के लिए तैयार होकर आया था। अटैक के लिए तैयार होकर आया था। अब जैसे ही फैसला लेंगे, जैसे ही अपना फैसला सुनेंगे, मैं मरने के लिए तैयार, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। हो गया सिस्टर, अब तो मर सकते। गॉट इट। ओके, तालियां, शाबाश, क्या बात है, उसने हार्ट अटैक का सीन बहुत ही अच्छा किया, उसके लिए तालियां। गेट अप, व्हाट अ परफॉर्मेंस सिस्टर कोकोनट पियोजी। सुपर सुपर मैडम, आपका कैरेक्टर दोनों राज्यों के तेलुगु ऑडियंस के दिल में रहेगा। तो इसीलिए तुमने मेरा कैरेक्टर मार डाला? मैं तो बस राइटर हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ मैडम, वो जो कहते हैं मुझे वो करना पड़ता है। बिल्कुल, तुम यही करती हो, तुम यहाँ पर लोगों के रोल काटने ही आई हो। इसका टाइम बर्बाद मत करो सिस्टर, चलो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से पूछते हैं। चलो। प्रोड्यूसर वो आ रही है। मुझे चार बार शहर से भगाया जा चुका है, आने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हे प्रोड्यूसर, ये क्या है? उसने 6932 एपिसोड किए हैं। वो ये पिछले 10 साल से कर रही है, उसकी एक्टिंग जर्नी 15 साल से शुरू हुई थी। वो जहाँ भी जाती है उसे सब लॉर्ड झांसी कहते हैं। ऐसे रोल को अचानक से कैसे मार सकते हो? ये सब जानने के बाद ऑडियंस का दिल टूट जाएगा। क्या नहीं होगा? मुझे मरता देखकर औरतें घर पर खाना पका पाएंगी? बोलो। क्या वो शांति से रह पाएंगी? बोलो। शायद नहीं, पर मैं परवाह क्यों करूं? करुणा ने हमारे बजट को बुरी तरह बिगाड़ दिया है, इसलिए मैंने आपको फीस पर दोबारा सोचने के लिए कहा, लेकिन आपने जब पेट्रोल की कीमतों की तरह बढ़ा दिया। मुझे सिर्फ आपको नहीं, आपके ये दोनों मिनियंस को भी स्पॉन्सर करना पड़ता है। यहाँ देखो, तुम्हें ये तोम कहाँ से मिली है? मेरे प्रोडक्शन में खाना खा करना। लेकिन मैं तो पतला हूँ। तुम तो बोलो ही मत, तुम्हें कुछ अलग नहीं हो, तुम लड़कियों के स्कर्ट से लुंगी बनाते हो, यहाँ तक कि तुमने कॉस्ट्यूम्स तक को भी नहीं छोड़ा। मैं ये सब एक्स्ट्रा बजट नहीं सह सकता, इसीलिए मैंने आपको इस शो से हमेशा के लिए हटा दिया। मैं आपको जानबूझकर हटा रहा हूँ। ऐ सुनो, मैं कोई ऐसी वैसी साधारण झांसी नहीं हूँ जिसे दबाकर फेंक दोगे। ये लॉयर झांसी है। आज मेरा कोर्ट छिन गया है लेकिन मुझे पता है इसे वापस कैसे पाना है। ऐ कोर्ट को संभाल कर रखो। मेरी सिस्टर ने कसम ली, आप तुम परेशानी में पड़ने वाले हो। वो हम बाद में देखेंगे, पहले तुम यहाँ से हटो, मुझे परेशान करना बंद करो। फ्रेम्स में अपनी सुंदरता की वार्निंग थी और यहाँ डायनेमिक एंट्री बन गई। और मुझे क्या चाहिए? देखो, जिस राइटर ने मेरे कैरेक्टर को बेरहमी से मार दिया उस पर मुकदमा दर्ज करो। रुको रुको रुको, तो क्योंकि उन्होंने टीवी सीरियल में आपके रोल को मार दिया, तुम रियल कोर्ट में केस करना चाहती हो? हाँ, आपने कितने अच्छे से मेरे सिस्टर के पॉइंट को कैच किया। सच बताओ, क्या आपने कभी सोचा था कि ऐसा मामला भी कभी आपके सामने आएगा जी? हाँ, हमारे यहाँ आने से पहले मेरी सिस्टर ने कहा भी था, सिस्टर है केस किस धारा में दर्ज होना चाहिए? नोट डाउन अंतर विधि
क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट चीटिंग अंडर सेक्शन 406 ऑफ इंडियन पीनल कोड. उन्होंने जानबूझकर मेरे कैरेक्टर को मार दिया जिसके कारण मुझे मिलने वाले हक के पैसे कट जाएं. एज पर आईपीसी 500 और आईपीसी 503 भी उन्होंने मानसिक और शारीरिक. एक मिनट, ये क्या है? हाँ, आप सेक्शंस ऐसे बता रही हैं जैसे अब इतनी आसानी से. मेरी सिस्टर ने लॉर्ड के कैरेक्टर के लिए उसकी पढ़ाई भी की है. हाँ, शी इज BLLB. यस, वाओ. अगर वो डॉक्टर का रोल करेगी तो पढ़ाई करेगी. और पुलिस ऑफिसर, IPS. ये तो ऑसम है. जब मुझे मेट का रोल दिया गया था मैंने कुछ महीने घरों में काम भी किया था. मैं बहुत ही डेडिकेटेड कैंडिडेट हूँ. थैंक गॉड आपने प्रोस्टिट्यूट का रोल नहीं दिया. मैम, आई एम सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था. मुझे गलत मत समझिए, मैं आपको अच्छे से समझ गया हूँ. मेरे जैसे स्मॉल टाइम लॉयर्स आपके केस हैंडल नहीं कर सकता. टेक माई एडवाइस, आप खुद की लॉयर बन जाओ और खुद केस लड़ो. इसे सिंगल हियरिंग में सेटल करके वापस टीवी में चली जाओ. प्लीज ऐसा कर लो. सिस्टर है, मुझे लगता है ये सही है, ये इस केस को हैंडल कर सकता है. चलो कोर्ट चलते हैं और इसको हिला देते हैं. तुम्हें भी ऐसा लगा? हाँ तो. लॉयर झांसी, लॉयर झांसी, लॉयर झांसी, लॉयर झांसी, जिंदाबाद. ये क्या हंगामा है? वो उन्हें अरेस्ट कर लेंगे. ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर. साइलेंस. गुड मॉर्निंग योर ऑनर, मैं सीधा पॉइंट पर आऊंगी. ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर की जोड़ी, इन्होंने एक वकील को मार डाला जिसे जनता 10 साल से प्यार करती थी. सच में? जब मर्डर हुआ तो पुलिस क्या कर रही थी? यहाँ कोई FIR कॉपी भी नहीं है. नहीं मिलेगी मैडम, ये ऐसा ही है. कोर्ट के सामने चाहे पुलिस वाला ब्लास्ट हो जाए, कोई पुलिस इस पर सवाल नहीं करेगी. फिर लॉयर ही क्यों? मैंने सैकड़ों पुलिस ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, IAS और IPS ऑफिसर्स को मारा, यहाँ तक कि इंजीनियर्स को भी मारा है. और आप ये ओपनली कन्फेस कर रहे हैं? आर यू ऑल अप्रूवर्स? नो, वी आर क्रिएटर्स. हमने बहुत से लोगों को मारा है मैडम, लेकिन आज तक कोई हमें कोर्ट नहीं ले गया. लेकिन ये देखिए, ये धूर्त औरत जो यहाँ तक पहुँच गयी. मेरी सिस्टर को धूर्त करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? ऑर्डर, ऑर्डर. मुझे अपनी उंगली मत दिखाओ. चलो चलो, ध्यान मत दो. बिल्कुल वो ऐसा नहीं करेंगे, वो छोटे आर्टिस्ट हैं. उनको लॉयर झांसी से कंपेयर मत करो. जानता ना तू? हे, बैठो, वहाँ बैठो. ओके मैडम. ओके मैडम, ओके. तुमने कैसे मर्डर किया है? लॉयर झांसी मैडम. क्या तुम लॉयर झांसी नहीं हो? यस मैम. आपने मुझे टीवी पर नहीं देखा? मैम मुझे लगता है टीम ने आपको ठीक से ब्रीफ नहीं किया. उसने केस इसलिए किया है क्योंकि उसके सीरियल कैरेक्टर झांसी को मार दिया गया है. क्या आप कोर्ट में इसलिए हो क्योंकि आपके कैरेक्टर को मारा है? ऑफ कोर्स. लगता है आपको टीवी सीरियल्स की कुछ खास नॉलेज नहीं है मैडम, वरना मैडम के आते ही आप कब की झुक गई होती. जब आप यहाँ आए थे तो इशारा भी किया था, आप समझे नहीं? जेलसी या फिर ईगो? हमारी सिस्टर की लीडरशिप, हमारी झांसी की लीडरशिप. क्या आपने देखा मैम, ये मेरे फैंस हैं. मेरा रोल मामूली नहीं था, इसीलिए इन राक्षसों ने मेरे कैरेक्टर को मार डाला. इन्हें तो 5 महीने की जेल की सजा होनी चाहिए. रुक जाओ, सजा मुझ पर छोड़ दो, वो मैं कर लूंगी. प्रोसीड. हाँ, करो करो जी. इस कोर्ट को शूटिंग के लिए रेंट पे देते हैं? हाँ देते. इसका रेंट कितना होगा? उनसे पूछो, वो बताएगी. कोर्ट पर बेबुनियाद केस लाने के लिए और पवित्र कोर्ट प्रेमिसेस को शूटिंग के माहौल में बदलने के लिए और कोर्ट में सिरसा को ये देखते हुए कि उसका पहला ऑफेंस है और 1,00,000 रुपए लीगल काउंसिल को डोनेट करने का ऑर्डर देती है. कोर्ट से ये भी ऑर्डर करती है कि वो 1 हफ्ते तक कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स को ऑब्जर्व करेंगी. जब वो किसी सीनियर लॉयर के साथ प्रैक्टिस की तरह काम करेंगी तभी वो कोई केस ले सकती हैं. और उसके असिस्टेंट का कोर्ट रूम में बर्ताव देखते हुए कोर्ट उन्हें 10 दिन की सजा, नहीं ये काफी नहीं है, कोर्ट उन्हें 1 महीने की साधारण कैद की सजा सुनाती है. लॉयर झांसी, उम्मीद मत खोना,
टीवी पर डिस्कशन करते हैं, हाई कोर्ट में अपील करते हैं और सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। इसकी जरूरत हाँ? नहीं है। जज ने पूरे कोर्ट के सामने मेरा अपमान किया। अब मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक कि मैं बेहतर आर्गुमेंट करके उनसे कमाल है नहीं सुन लेती। मैं तुम्हारी फैन बन गई हूँ, क्या मैं तुम्हारे साथ सेल्फी ले सकती हूँ? मैं ये करके ही रहूंगी। ओ सच में? मैं तुम्हारी जूनियर बनके काम करूंगी और खुद को साबित करूंगी। ए, 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 मुझे लगा जूनियर बोलने में आपकी टंग स्लिप हो गई थी। आई कांट। व्हाई व्हाई व्हाई? हां हां, तुमने व्हाई बहुत बार कहा। व्हाई भाई? हाँ? जब आपका डायलॉग छोटा हो तो उसे बहुत बार रिपीट करो, तब दूसरा इंसान कंफ्यूज हो जाएगा और सीन आपके कंट्रोल में आ जाएगा। तुम बहुत कुछ जानती हो तो तुम्हें अपना जूनियर बनाकर अपनी सीनियरिटी खतरे में नहीं डाल सकता। आप चाहे तो मिस्टर अल्लू अरविंद से बात कर सकता हूँ और उससे बोलकर एक वेब सीरीज में आपका रोल करवा सकता हूँ। बट आई कांट हैंडल यू। आई एम सॉरी सीनियर। हीरोइन जूनियर बनकर आपका काम करना चाहती है और आप मना कर रहे हैं। अरे असल में मैं उसे अपनी बीवी बनाने की सोच रहा हूँ। उसे मेरे जूनियर बोलना बंद करो। क्या ये फाइनल डिसीजन है? फिर भी आपको नहीं छोड़ूंगी। आपके पास मुझे लेने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। ये वाला जॉइन। मैं कार स्टार्ट करता हूँ। ओके ओके ओके। अबे साले, मुझे बस पैसे लेने की आदत है, देने की नहीं है, समझ ले तू। और तेरे जैसे खोचू लाखों रुपए लेकर भी शिकायत कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? सर, आप जो मुझे पैसे दे रहे हैं उनसे सिर्फ जज के प्यून को ही खरीदा जा सकता है। सर देखिए, दूसरी पार्टी वाले कोर्ट में पुख्ता सबूत सबमिट कर रहे हैं। इतना क्रिटिकल केस जीतने के लिए फिर इतना पैसा काफी नहीं होगा सर। मुझे बड़ा बड़ा बंडल चाहिए। अरे सुन लो उसकी बात तो सुन लो। ये नैला देला बुड्ढे से कहाँ होता साहब काम। मैं बोला आदमियों को पक्का कमर्शियल लॉयर, उनसे होता काम। तो ये इशू है। डोंट वरी अयूब खान, आई विल टेक केयर ऑफ यू। मेरे सामने कमिट करना मतलब सुसाइड कमिट करने जैसा ही होता है सर। सेम यार, अगर कोई मेरी कार के सामने मरने के लिए खड़ा होगा मैं उसके ऊपर चढ़ा दूंगा लीगली। अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो मिलाओ हाथ, मैं आपके भाई को बाहर निकाल दूंगा। ये सब एक जैसे क्यों दिख रहे हैं? इनमें से मर्डर किसने किया है? आपका क्या मतलब है योर ऑनर? ही इज द गाय, जलील खान। ये जलील खान है तो क्या मैं शाहरुख खान हूँ? अबे मैं हूँ जलील खान। ये जो बोल रहा है वो है योर ऑनर, बीच वाला लड़का, ये है आयुब खान का भाई जलील खान। करेक्ट मिस्टर प्रोसिक्यूटर, आप इतने कंफ्यूज क्यों हैं? मुझे पता था तुम किसी तरह कोर्ट का ध्यान भटकाओगे, इसीलिए मैं आई विटनेस के साथ आया हूँ। सिक्योरिटी लेंगे? नमस्ते सर। नमस्ते सर। लिंगा गया जी सर, इन चारों में सत्यनारायण को किसने मराया था? ये था, ये था, ये था या कौन था, पहचान सकते हो? एक सेकंड सर। ए कहाँ जा रहे हो? उनका पास से देखना चाहता हूँ। क्या आपने मर्डर के टाइम भी इन्हें पास से देखा था? नहीं, इतनी दूर से ही देखा था। फिर सही से बताओ। मेरी आंखों की रोशनी थोड़ी कम है सर, इसीलिए डुप्लीकेट्स में से असली हथियारे को पहचानना थोड़ा मुश्किल है सर। मिस्टर प्रोसिक्यूटर, आपके आई विटनेस के लगता आंखें नहीं है, ये विटनेस वैलिड नहीं है। ये सही नहीं है योर ऑनर। योर ऑनर, ये हर बार कुछ ना कुछ ऐसा ही करता है। जो हमने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं उसमें जलील खान की कॉल डिटेल्स हैं और हमारे पास कंफर्मेशन है। हमारे पास एक और इन्फॉर्मेशन है। ये क्या है? तुम्हारे पास क्या है? मर्डर से एक हफ्ते पहले उसने कंप्लेन दर्ज करवाई थी पंचकुड़ा पुलिस स्टेशन में कि उसका फोन खो गया है। आप कुछ चेक कर सकते हैं योर ऑनर? योर ऑनर, मेरे क्लाइंट आयुब खान और उसके भाई को इस केस में फंसाने के लिए किसी ने उसका फोन चुरा लिया और सेम आवाज निकाली और उसके जैसा दिखने वाला आदमी अरेंज किया और उसके मर्डर करवाया और वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर दी। ये सब मेरे शो हैं, एपिसोड नंबर 1114। आपका शो? वाओ, क्या शो है योर ऑनर। अगर आपको और क्लैरिटी चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ कि मर्डर के वक्त जलील खान साई बाबा मंदिर में था। हमारे पास उस दिन की सीसीटीवी फुटेज भी है। मैं अपने जूनियर के साथ ऐसे 100 ग्राफिक्स बना सकता हूँ? ये कोई ग्राफिक्स नहीं है। क्या मैं दिखाऊं असली ग्राफिक्स क्या होता है? मेरे पास एक और क्लिप है जिसमें जज साहब हत्यारे के तौर पर दिखाए गए हैं। दिखाऊं क्या?
ए सुनो बंद करो, मुझे इन सब में मत घसीटो, टीवी बंद करो। वो तो बढ़िया केस जीत रहा। तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? क्या उन्होंने उस जैसे दिखने वाले से मर्डर करवाया और उस पर डाल दिया, लेकिन उसका चेहरा अलग है, तुम्हें उसके डुप्लीकेट कैसे मिले? मैं बता सकती हूँ ऑरोनर, हमारे पास ऐसे बहुत से आइडियाज हैं। अब वो क्या कहने वाली है? आपको ये हमारी फील्ड में मिल जाएंगे ऑरोनर, चेहरा कितना भी खराब क्यों ना हो, हमारे जूनियर कोऑर्डिनेटर उनके डुप्लीकेट ढूंढ ही लेते हैं। जो कैरेक्टर होता है उसके आधार पर हम मेकअप करके उनको बिल्कुल एक जैसा बना देते हैं। आपको पता है अगर मैं बीमार हूँ और शूटिंग पे नहीं जा पाती हूँ तो वो मेरे ड्यूप से शूट करवा लेते हैं। यहाँ तक कि हमारे हीरोज भी उनके खतरनाक शॉट्स को डबल ही करते हैं, है ना? अगर आप ध्यान से देखें तो आप जरूर जान पाएंगे योर ऑनर। ओके, तुम ओरिजिनल हो या नहीं? बिल्कुल ओरिजिनल, मेरी नकल कोई नहीं कर सकता। तो आपका कहना है कि ये मर्डर इस तरह किया जा सकता है? नो 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 नो, यस योर ऑनर, दैट्स राइट। अरे भाई अब जीत गए। मैंने उससे मांग ली, उसने मुझे केस जीतने के लिए दिया। तुमने उससे घड़ी मांगी, मेरे एपिसोड का क्या? तुमने मुझे क्रेडिट दिए बिना इसे चुरा लिया। तुम्हारा एपिसोड? हाँ बिल्कुल, तुम ये कह रहे हो कि आर्गुमेंट तुम्हारा था? तुमने कल रात 111/4 एपिसोड देखा था, मेरी कुछ लाइंस कॉपी की और यहाँ वहाँ थोड़ा कंटेंट जोड़ दिया, मेरी तरह आर्ग्यू किया और केस जीत लिया। मैं बॉडी लैंग्वेज से बता सकती हूँ योर ऑनर। क्या मैंने तुम्हारी लाइंस कॉपी की और केस जीत लिया? बिल्कुल, वो भी तुम्हारी लड़कियों वाली बॉडी लैंग्वेज से। मान जाओ, मुझे बुरा नहीं लगेगा क्योंकि मैं तुम्हारी जूनियर बनकर काम करने वाली हूँ। लेकिन मैं ये अलाउ नहीं करूंगा। क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्यों नहीं? नहीं? तुम्हें बिस्कुट चाहिए? हाँ, अब आपने मुझे पहचान लिया, मैं हूँ लॉयर झांसी, आपकी फेवरेट एक्टर जिसे आप हर रोज टीवी पर देखते हैं। खैर अंकल, मैं आपके बेटे के जूनियर के तौर पर काम शुरू कर रही हूँ। आप इस फील्ड में सीनियर हैं, एक सीनियर जज, तो मैं यहाँ पर आपका आशीर्वाद लेने आई हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं सेलिब्रिटी हूँ, शायद झुक नहीं सकती, प्लीज आशीर्वाद दीजिए। संतोष रखो, अच्छे से सीखो, मेरा बेटा बहुत टैलेंटेड है, मिलता हूँ। क्या टैलेंटेड? वो मेरे एपिसोड्स की मदद से केस जीता है, आपने मर्डर केस के बारे में सुना होगा। उसने मेरी एक्टिंग की कॉपी करके मोस्ट वांटेड क्रिमिनल को रिहा करवा दिया। क्या मेरा बेटा क्रिमिनल्स के बिहाफ पर केस लड़ रहा है? हाँ अंकल, आप मुझे अपने बेटे के पास क्यों नहीं ले जाते? जैसे राव गोपाल राव ने अपने बेटे का असली रंग देखा था, मैं आपके बेटे का असली रंग एक्सप्रेशंस के साथ दिखाऊंगी। क्या 50% कुछ ज्यादा नहीं है भाई? हम चार लोग हैं, हमारा भी तो सोचना भाई। मैं सोचने वाला इंसान नहीं हूँ, पक्का कमर्शियल हूँ। सीनियर, देखो लॉयर जैसे हमारे होम जज के साथ हैं। वो एक साथ आ रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है कोर्ट में जो हुआ उन्हें पता चल गया है? जब वो एक्टिंग करती है तो उसके एक्सप्रेशन ऐसे ही लगते हैं जैसे अभी हैं। आप सही हैं सीनियर, अब तुम क्या करोगे? ए भाई प्लीज हमारे बारे में सोचना, मुझे रिक्वेस्ट करना बंद करो, ब्लडी क्रिमिनल। देखो पापा, इसके 70 लाख लूटे और मुझे अपना केस लड़ने के लिए कह रहा है, क्या मैं इस तरह का इंसान हूँ? ठीक है भाई, परेशान मत हो, 40% ले लो और खुश रहो, जाओ। 40%? सुनो प्रवीण, इसने अभी जो कहा इसके लिए हम इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। वो किसी दूसरे वकील के पास नहीं जाना चाहिए। उसने तुम्हारा केस रिजेक्ट कर दिया, इसलिए तुम ज्यादा पैसे देकर उसे कन्विंस करना चाहते हो? चुप, मैं तुम्हारी जुबान काट दूंगा इंसान। अरे भाई नहीं भाई। क्या हुआ पापा, आप इन मैडम के साथ यहाँ कैसे? चुप रहो, क्या तुमने एक हत्यारे को सपोर्ट किया और उसे मर्डर के केस से बचाया? मेरे एपिसोड 111/4 की तरह। चुप रहो तुम, मुझे बताओ उसने जो कहा वो सच है या नहीं? सच है। हाँ नहीं, मैंने एक हत्यारे को मर्डर केस से निकाला। सीनियर, वो हत्यारा नहीं है, वो एक साधारण इंसान है, उसके हमारी तरह कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। ये तो कह रहा है कि अक्यूज ने मर्डर कमिट किया ही नहीं है। मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है अंकल, उससे पूछो मेरे सीरियल को फॉलो करके जीता या नहीं। अपने टीवी सीरियल्स बताना बंद करो। हे भगवान। पापा आओ, मैं समझाता हूँ। कहाँ आऊँ? आओ पापा, मैं सबको समझाता हूँ ना। आओ, आओ, आओ। वो अपने पापा को क्या बताएगा? क्या वो सीरियल में अपने रोल को मारने के खिलाफ कोर्ट गई थी और उसकी सजा मिली है इसे? ऑफ कोर्स डैड। लॉयर का रोल पाने के लिए उसने लॉ तक की पढ़ाई कर ली है।
क्या वो थोड़ी पागल है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हा? जब वो छोटी बच्ची थी तब से वो एक्टर बन गई। बाद में उसे लगा कि वो फेमस हो गई है, हर कोई उसे अपने साथ सेल्फी लेने के लिए कहता है, तो उसे लगता है कि वो देवी बन गई है। मुझे उसकी फिक्र हो रही है, इसलिए मैंने उसे अपने जूनियर के तौर पे अलाउ किया। बेचारी बच्ची। उस बच्ची को भूल जाओ। क्या आपको अपने बेटे पर शक है? नहीं बेटा। क्या कभी भी महान लोगों की तारीफ उनके सामने नहीं करनी चाहिए? क्या इसलिए वो आपको साइड में लेकर गया? महान। आपको उंगली का इशारा करने और दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं है। मेरा शो हिंदी में डब किया गया है। बेटा प्लीज साइड हो ना। बेटा क्या मैं साथ में आऊं? चल आ जाओ। ए रुको। क्या तुमने हमारे बीच दरार डालने शुरू भी कर दी? हाँ, तो जब आग जैसी लॉयर झांसी आसपास हो तो थोड़ी आग तो लगेगी ना। ये भाई आ गया जो मुझे चाहिए। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं इसे खुद जलाऊंगा। यहाँ तक कि मैं किसी को किस करने के बाद भी च्युइंगम चबाकर पुदीने से मुंह साफ करती हूँ। कैमरे के सामने इस बॉडी के साथ चाहे जो हो, ये मेरे दिल तक कभी नहीं पहुँचेगा। ओहो, वन मिनट। हेलो भाई, मेरा छोटा भाई घर आ गया। 5 मिनट में तुम यहाँ पर आकर जश्न मनाओगे। मैं 2 मिनट में चीयर्स कहूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? नो वे। मैथिली कंस्ट्रक्शन के स्कैम में कोई अंत नहीं है सर। अरे वाह पापा, आपने तो सब निकाल लिया। तुमने सेक्शन तो ठीक से मेंशन किया ना? उन्होंने इसे अच्छे से किया है, इसीलिए इतने बड़े केस में वो कंस्ट्रक्शन पर स्टे ऑर्डर ले पाए। ठीक है, अब अपोजिट पार्टी की तरफ से फाइल होने वाली रिट देखनी है, फिर अटैक करेंगे। तो मैं सबसे पहले अपने लॉयर से एनओसी लानी होगी। कौन है? मिस्टर रजाक सर, उसे स्टे ऑर्डर पर ले जाकर मार डाला उन्होंने। और अब वो लोग मुझे भी ढूंढ रहे हैं सर। गलत लोगों से पंगा लिया है, वो आसानी से जाने नहीं देंगे। ठीक है, कुछ दिनों से छुप कर रहो, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो बाहर आ जाना। डरो मत अंजी, मेरा बेटा इसे सेट कर देगा। आ जाओ, हम चलते हैं सर। सुनो, मुझे मिथिली कंस्ट्रक्शंस के चेयरमैन का नंबर चाहिए। सीनियर, ये सही नहीं है। क्या सही नहीं है? क्या वो इस केस को कोर्ट में लड़ने के लायक है? याद रख कि उसके पास खाने पीने के पैसे भी नहीं है, वो हमारे लिए पानी पूरी तक नहीं खरीद सकता। वो इस केस के लिए जजमेंट कैसे खरीदेगा? तो ऑपोजिट पार्टी से मिलो, उनसे बातचीत करो, कुछ रुपए पैसे लो, फिर हम सब खुश हो जाएंगे। सीधी सी बात, कमर्शियली सब ठीक है, लेकिन अगर पापा को आपके ओरिजिनल कैरेक्टर के बारे में पता चल गया तो क्या होगा? फिर क्या, बस देवी ही हमें बचा सकती है। जय हो देवी। कहाँ है? सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, आपके फ्रेंड मिनिस्टर श्रीनिवास लाइन पर हैं। हेलो श्रीनिवास, मैं क्या कहूँ तुमसे, अपना टीवी चालू करो। रेप्यूटेड इंडस्ट्रियलिस्ट और भावी पॉलिटिशियन विवेक ग्रुप के चेयरमैन विवेक पर कुछ वक्त पहले हत्या का प्रयास किया गया था, लेकिन जुबली हिल्स पुलिस ने वारदात को नाकाम कर दिया। पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर दी इससे पहले जलील खान और उसके साथी रिकी के क्लब में जाकर अय्याशियां कर रहे थे। जांच के अनुसार जलील खान और गिरोह ने विवेक को मारने की भी कोशिश की है, क्योंकि उसने उन सबको सत्यनारायण की हत्या में फंसाने की कोशिश की। अगर जलील खान जेल में है तो वो मुझे कैसे मार सकता है? हाय, मुझे लगता है आप नई किरायेदार हैं। क्या मैं आपके स्वागत के लिए थोड़ी फ्री में चीनी घी और गिफ्ट भिजवाऊं? मुझे पता था कि आप लोग दुकान बंद नहीं करेंगे, इसीलिए मैं ये चीजें नहीं लाई। प्लीज ये चीजें भेज दो। थैंक्स।
सर। अरे कहा तुम, वो कहा तुम, तुम यहाँ कब आओगे? वो हमें छोड़ते नहीं अगर उन्हें पता चलता कि जलील बेल से बाहर आ गया है, इसलिए हमने अपनी जुबान बंद रखी है। वो कौन है? लकी सर। ये यंग लॉयर जो अभी इस फील्ड में आया है, वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है सर। एक बार वो केस ले लेता है, यहाँ तक कि खतरनाक क्रिमिनल भी विटनेस स्टैंड पर रिलैक्स खड़ा होता है। अगर एक साधारण यंग लॉयर उन्हें मुझे मारने के लिए कहता है, वो बचना नहीं चाहिए। क्या उसे दफना दे? कंक्रीट मिक्सचर तैयार है। दफना दो इसे, इसे तो मोक्ष मिलेगा। मुझे उन पर भरोसा है और मैं जो चाहता हूँ वही करता हूँ। जब वो रात में नाइट ड्रेस में उबाजी ले रहे हो, उनके कान के बाल निकाल कर उससे गिटार बजाओ। इडियट्स, मुझे जवान दिमाग चाहिए जो आधी रात में भी सतर्क होकर काम कर पाए। जाओ उसे लेकर आओ। चलो परसों की मीटिंग फिक्स कर लेते हैं। सुमा, क्या तुम्हारी स्कूटी वहाँ है? आप स्कूटी से जाना चाहते हैं? तुम परसों की मीटिंग फिक्स करना चाहते हो तो मैंने सोचा मैं ही जाकर बात कर लेता हूँ। समझ गया, मैं उसे लेकर आता हूँ। मैं कभी खुद को भी खाना, अगर मैं तुम्हें अभी सर्व कर रहा हूँ तो इसकी वजह तुम्हारे अंदर की सुंदरता है। मुझे तुम्हारा टैलेंट पसंद है। एक अमीर और जितना रेप्यूटेड आदमी मेरे टैलेंट को पसंद करता है, क्या तुम यही सोच रहे हो ना? मैं इतना भला नहीं हूँ, सब मेरी ओ मेरे सब आदमी भैंस चराने वाले हैं। मेरे पिता हमेशा कहते थे, जब आप ज्यादा बुद्धिमान ना हो, आपको बुद्धिमान इंसान का इस्तेमाल करके लायक स्मार्ट बनना चाहिए। मैं इस तरह से स्मार्ट हूँ, इन सब तरह के लोगों का दिमाग इस्तेमाल करता हूँ। देखो मैंने बहुत प्रोग्रेस की है। लेकिन ऐसे लोग भी है जिन पर मुझे इस बड़े सिस्टम को चलाने के लिए डिपेंड होना पड़ता है। मुझे समझ आता है कि अगर मुझे लॉ डिपार्टमेंट में कोई चेंज चाहिए, उसमें सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। वादे को वादे को। सीनियर को पपीता खाना चाहिए, मुझे तो। तुम सीनियर का मतलब ये थोड़ी मुझसे छीनोगे भाई। काला कोर्ट क्या मिला, कुछ भी करते हैं। जूस और फ्रूट्स को लेकर लड़ रहे हैं देखो उन्हें। अगर मैंने डिपार्टमेंट में इमीडिएटली बदलाव नहीं किए ना, तो मैं फिर से ये ऐसा ही है। मैंने तुम्हारे बारे में इंक्वायरी की है, मुझे कहा गया तुम पक्के कमर्शियल हो मेरी तरह। मैं तुम्हें एक बढ़िया ऑफर देता हूँ, कलायुग को कोर्ट में धोखा दे दो और मेरी तरफ से आर्ग्यू करो। मैं तुम्हें इस विला की चाबी एडवांस में देता हूँ। ये और ये बस चाबी नहीं है, पूरा विला तुम्हारा है, ले लो। थैंक्स अलॉट सर, इतने आसानी से आपने ऑफर दे दिया, जैसे कि इडली दी थी। पर मैं इस टाइप का आदमी नहीं हूँ, आप विला रख सकते हैं। देखो, मेरे साथ कोऑपरेट ना करने वाले को मारने की ताकत भले ही मुझ में ना हो, लेकिन मुझे मालूम है और पता है कि ताकत को कैसे खरीदना है। ये मेरा टैलेंट है। सर सर सर, आप अपनी विलन गिरी किसको दिखा रहे हैं? आप ये अभी कर रहे हैं, ये सब मैंने कब का करके छोड़ दिया। अगर आप कुछ देखना चाहते हैं तो मुझे बता देना, मैं आपके लिए एक बार करके दिखा दूंगा, एक छोटा सा डेमो, ठीक है ना? ये निजम है। माय डार्लिंग वर्षम। Don't ask me more.
don't wanna know. The time is not right, get it up here. Don't fake or play, don't hesitate. I'm gonna shut them falling down. Wanna taste what you get? Shit. Wanna stick in my shit? सर, आपने इसे एंजॉय किया है ना? मेरे हीरोइज्म का भी एक ऑरा है, कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ऑरा से एक और आवाज सुनाई देगी, इमेजिन करो और ध्यान से देखो। इट विल बी किक एस। लकी कहाँ पर है? थोड़ी देर में जलील के केस की सुनवाई है, उसी की तैयारी कर रहा है। ठीक है, क्या हम दुकान पर इंतजार कर सकते हैं? क्या अंकल, आप इतने दूर आए हैं, आप बेटे को जीतते हुए देखने के बजाय दुकान में बैठेंगे? मैं सीरियल में फेक कोर्ट में लड़ती थी तो मेरी फैमिली लाइन लगाकर मुझे देखती थी। आप उसके पिता हैं और वो आपके सिद्धांतों को परफेक्टली फॉलो कर रहा है। अंकल, आपको उसे जरूर देखना चाहिए, आपको गर्व होगा। तुम सही हो, लेकिन मुझे 25 साल हो गए कोर्ट गए, मैं नहीं जाता कोर्ट। तो क्या, अभी से अच्छा टाइम कोई और हो ही नहीं सकता है। आइए चलिए। सर, चलो मेरी बेटी से मिलने के लिए यही रुकते हैं। आइए अंकल, आइए। क्यों आए अचानक से? प्रोसीड प्लीज। योर ऑनर, मैंने कोर्ट में जलील खान के खिलाफ एविडेंस सबमिट किया है कि वो गुनहगार है, लेकिन डिफेंस लॉयर मिस्टर लकी ने उन्हें गलत साबित करके उन्हें रिहा करवा लिया। लेकिन जैसा कहा जाता है, चीते कभी अपने धब्बे नहीं छुपा सकता। एक हफ्ते के अंदर उन्होंने मिस्टर विवेक को मारने की कोशिश की। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। दो बार वो उसके घर से गुजरे और पूछा कि वो घर पर कब मिलेंगे। वो इस टॉय गन के साथ पप्पर गए थे। मंदिर जाने के लिए जो कार उन्होंने रेंट पर ली थी उसमें हथियार मिले थे, उनका कहना है। उन्होंने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो उसे मारना चाहते थे। ये बहुत बुरा है, ये अन्याय है। सुनो, ये बताओ क्या ये आरोप गलत है? बिल्कुल नहीं साहब, मैंने तो फिल्मों में भी मर्डर देखना बंद कर दिया, हम किसको क्यों मारते जी? हां जी साहब, हम सब बदल गए हैं, साईं बाबा के भक्त हैं। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम सुनक बजक। देखो साहब, एक्सीलेंट, इसे प्रूफ करने के लिए ये भक्ति गाने गाकर भी हमें सुना सकते हैं। गाओ गाओ, सुनो। मैं नहीं गा सकता, मेरा गला खराब है साहब। एक बार कुछ गाओ, सुन कर देखते हैं। अरे कुछ गा दो ना, जज साहब बोल रहे हैं तो फिर। बाबा बाबा मजलो ना साईं बाबा, बाबा बाबा मजलो ना साईं बाबा, राजा राजा मजलो ना मनमत राजा। ए ये गाना नहीं राजा, प्रॉपर बाबा सॉन्ग राजा, वो गाओ। ये अच्छा गाता है सर। चली बाबा वे नालो उन्नावे। सुनो 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 सुनो, फिल्म के गाने में बाबा जोड़ने से भजन नहीं बन जाता है। ये गली के गुंडे बाबा बनने की कोशिश कर रहे हैं, हमको बेवकूफ बना रहे हैं। उसे लॉयर बनाने के लिए उसके माँ बाप ही तो दोषी हैं। मैं चलता हूँ बेटा। मिस्टर लकी, मुझे इन लोगों पर भरोसा नहीं। आपको उन्हें सजा देनी चाहिए सर।
मैं इन राक्षसों को कब तक बचाता रहूंगा? अंकल प्लीज बैठ जाइए। अगर ये खुद कोई कोशिश नहीं करेंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ? ना तो कपड़ों का ढंग, ना बोलने का तरीका, यहाँ तक कि गाना भी नहीं गा सकते, फिर मैं क्यों भुगतूं? इन्हें सजा दे दीजिए सर। ए, साले बहुत हो गया, अगर कुछ उल्टा सीधा बोला तो मार दूंगा। मास्क नीचे करके धमकी दे। देखिए सर, ना तो ये जज से डरता है, ना तो इसे सजा से डर लगता है, और मुझे आपकी आंखों के सामने धमकी दे रहा है। रुको और देखते रहो। योर ऑनर, जब इन्होंने कोर्ट में अपना असली रंग दिखाई दिया है तो मैं भी कुछ बता ही देता हूँ। ये आयुब खान, इसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने इसके भाई को नहीं निकाला तो ये मेरे पिताजी को मार देगा। इसने दिन के उजाले में पाशा और दूसरे गुंडों को मुझे मारने के लिए भेजा। इंस्टाग्राम पर आप ये पोस्ट देखिए, आप सब समझ जाएंगे, इसमें डेट और सब कुछ है। योरोना, ना सिर्फ ये लेकिन इन्होंने और भी बहुत सारे मर्डर्स किए। मैं आपको ये सब कुछ साबित कर सकता हूं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये गरीबी से निकलकर जेल में कुछ पत्थर तोड़कर कुछ पैसे कमा लें, इनका भी थोड़ा भला हो जाएगा और दिन में दो बार खाना खिलाएं। He is my son Lucky, son of Surya Narayan. Oh God! Please note कीजिए कि मैं ये सब आपके लिए कर रहा हूँ। मैंने अपनी जिंदगी को दांव पर लगाया है। कल जो आपने मुझे आशीर्वाद देने के लिए कहा था उसे पूरा कीजिए। आपने जो मुझे प्लेट में दिया था उसे पूरा कीजिए। मुझे आपके चेहरे पर स्माइल दिखनी चाहिए, आपकी आंखों में मेरी आंखों की तरह चमक दिखनी चाहिए। क्या आप समझ गए? समझ गए? समझ गए? समझ गया, बिल्कुल मैं समझ गया। सुनो, कार को कोर्ट की तरफ लो। पापा पापा, एक मिनट रुकिए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यह दिन देखूंगा। भगवान ने मेरी सुन ली। नहीं, बल्कि ये देवी ने पूरी की है। हाँ, मैं यहाँ लक्ष्मी के लिए आया। जब मैं अंजी के साथ आज हमारे ऑफिस गया। एक मिनट में, आप कौन बोल रहा है? बोली लक्ष्मी, लक्ष्मी। अंजी, अंजी। उसे ऐसा लगता है कि इन सबके पीछे मिथी कंस्ट्रक्शंस का ही हाथ है। वेलकम वेलकम वेलकम। कॉन्ग्रेचुलेशंस लकी, वेलकम टू विवेक ग्रुप्स फैमिली। ये क्या है सर, मैं अभी तक आपके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं हुआ हूं। तुमने साफ साफ दिखा दिया है कि तुमने एक्सेप्ट कर लिया है, वो भी काम करने के बाद। उम्मीद है कि तुम समझ गए। कम ऑन, टेक इट। सर, इतना महंगा तोहफा अगर आप मेरे पिताजी को देंगे तो बेहतर रहेगा सर। पिताजी? हाँ। जन्मदाता? हाँ। कहाँ? पापा। चलो आओ। पापा पापा, मेरे काम से खुश होकर मिस्टर विवेक मुझे विला गिफ्ट करना चाहते हैं। आप मेरे बिहाफ पर अगर इसे एक्सेप्ट कर लें, वो और न्याय की देवी दोनों खुश हो जाएंगे। टेक इट सर। आप? मैं सूर्य नारायण, एक्स जस्टिस ऑफ सेशन कोर्ट, वो जज जिसे तुम्हारी वजह से अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी और आज वो टाइम पास करने के लिए किराना स्टोर चलाता है। मेरी वजह से? तुम नहीं तो और किसकी वजह से? पापा ये सुनो, इस आदमी के झांसे मत आना। हेलो, अरे चुप, बिना प्रॉम्प्ट के। यस, बहुत खूब। आज भले ही मैंने अपना बेटा खो दिया है, लेकिन मेरे पास मेरी बहू है, वो तुम्हारे प्लान्स को फेल कर देगी। तुम्हें और विवेक को हराकर मुझे जिताएगी, मेरी बहू, जो अभी मेरी बहू नहीं है। जब आप उसको बहू कहते हो, तब बेटे को सच में लगता है कि वो उसकी पत्नी और वो उसको चूमना चाहता है। अपने बेहुदा होठों को और करप्ट हाथों को मुझसे दूर रखो। इस फायर ब्रांड झांसी ने ये फायर लाइन खींची है। अगर इसे कभी क्रॉस करने की कोशिश की तो सीजी में पूरी तरह आग लग जाएगी और तुम जल जाओगे। मैं तुम्हारी ओवर एक्टिंग से थक गया हूँ। चलो चलो चलो। hey, अगर इस तरफ पैर भी रखा तो मुझे मरा हुआ समझना, समझे तुम? क्या? इसके लिए ये एक्सप्रेशन नहीं चाहिए। ये चाहिए था, तभी हमें क्लोजअप शॉट मिलेगा और वो हमसे पैसे कमा पाएंगे। ना भी नहीं पता आया लॉयर,
मैं मोरनी बन के नाचूं। चलो तुम चलो, मैं आया। लक्ष्मी साइन करो, उन्होंने अंजी को जहां भी छुपा कर रखा होगा मैं उसे ढूंढ कर वापस लाऊंगा। मिसिंग केस फाइल करूंगा, पुलिस को अलर्ट करूंगा। अरे प्रवीण, मेरे ख्याल से वहां पर एसआई से मासलम डील करता है। कौन? मैसूरी बज्जी कैंडिडेट। टाइम वेस्ट क्यों करना, प्लेट ले आ, खाते हैं। मॉर्निंग बज्जी ब्रो, क्या बात है, काफी दिनों से नहीं मिले। मेरे लिए एक मिसिंग केस देखो ना। हमें उसे ढूंढना भी है? नहीं, बस ढूंढने का नाटक करना है। इंक्वायरी के नाम पर गोल गोल घुमाते रहना, फिर आखिरी में वही अपना बहाना बनाकर भेज देना। हमारी ड्यूटी कितने मुश्किल है, लेकिन तुम चाहते हो कि सिर्फ दिखावा करूं मैं, तो ऐसा ही होगा। और अगर वो इसके लिए तुम्हारे खिलाफ कोर्ट गए तो? कोर्ट की फाइट कौन सी नहीं है ब्रो, ज्यादा होशियार बनेंगे तो मिसिंग केस वाले पे मर्डर केस डाल दूंगा। मैं उल्टा केस बनाऊंगा कि उन्होंने उसे मार दिया और फिर उन्हें अरेस्ट करूंगा। अरे बाबा बाबा बाबा, आज तुमने फिर से साबित कर दिया कि दुनिया कमीनों से भरी हुई है। कंप्लेन आते ही फोन करना, मैं कैश भिजवाता हूँ। अंकल आप चिंता क्यों कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे कमर्शियल लॉ और पुलिस वालों को जानती है, इसलिए राज्य ने हमारे हक दिए हैं। हैबियस कॉर्पस पिटीशन 226 और 227। क्या? अगर कोई इंसान गायब हो जाता है, उस इंसान को एक टाइम पीरियड के अंदर अंदर कोर्ट में पेश करने का ऑर्डर पास किया जाता है। एपिसोड नंबर 368, 400 मिलियन व्यूज ऑन यूट्यूब। मैंने इस पर एक पूरा एपिसोड बनाया है। सुपर बेटा, अगर हमें ऐसे लोगों को हराना है तो फिर इसका सहारा लेना ही होगा। करेक्ट टाइम में परफेक्ट सजेशन दिया तुमने। अभी मैं अपना कोट पहन कर आता हूँ, अब तो हम इन्हें कोर्ट में ही देखेंगे। अंकल क्या हुआ? आप 25 साल बाद ब्लैक कोट पहनेंगे, हम इसे टेलीविजन पर दिखाएंगे। हमें कई शॉट लेने पड़ेंगे। ऑडियंस का गुस्से से भूकंप आ जाए, सब नाचेंगे फिर। हे बाल राजू, मैं समझ गया, KGF 1-2-3 नहीं, डायरेक्ट 10 निकालेंगे। जज थोड़ा लिपस्टिक लगा लो, थोड़ा मेकअप करो और कैमरा के सामने खड़ा हो जाओ। नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। अगर नहीं मान रहे तो ड्रीम सॉन्ग चला। जैसा आप कहे सर। चलो हम भी देखते हैं कि क्या ड्रीम है। अरे मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें हाई कोर्ट में कभी नहीं देखूंगा, अब तुम यहाँ हो। देखना केस को जीतने के लिए और तुम्हारे कमर्शियल बेटे को लाइन पर लाने के लिए कैसे मदद करता है तुम्हारा ये फ्रेंड। शुक्रिया। मिस्टर लकी, द केस इज वेरी क्लियर। मैथिली कंस्ट्रक्शन के इलीगल कंस्ट्रक्शन के लिए स्टे ऑर्डर के लिए मिस्टर अंजी को मिस्टर विवेक ने बदला लेने के लिए किडनैप किया है। प्रोसिक्यूशन का आरोप परफेक्ट है। इस केस के डिटेल्स को देखते हुए। एक्सक्यूज मी योर ऑनर, आरोप मैं भी लगा सकता हूँ इंक्वायरी में, लेकिन अगर वो गलत साबित हुए तो। ऑब्जेक्शन। तुम्हारा मतलब अंजी गायब नहीं है? वो गायब हो गए या कहीं भाग गए तो उसकी पत्नी का एग्जामिन करने के बाद और अपने गवाह दिखाने के बाद पता चलेगा। ठीक मैम, आपकी और अकुलू अनजानी उनकी शादी को 5 साल हो गए, लेकिन अभी तक बच्चा क्यों नहीं? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये एक मिसिंग केस है तो इसमें बच्चा क्यों नहीं हुआ, ऐसे सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं? ये सब फालतू है। कुछ फालतू नहीं है सूर्य नारायण जी, बी कूल। ऑब्जेक्शन सस्टेंड, प्लीज सिट डाउन। हाँ तो बताइए क्या प्रॉब्लम है? हम में से किसी में नहीं है। ऐसा कैसे कह सकते हो? अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो वो अमरावती में आनंद ज्योति से बच्चों की भीख क्यों मांग रहा था? आनंद ज्योति? हाँ आंध्र ज्योति, जी आनंद ज्योति। यस सर, वो मेरे पास आया था लेकिन मैं उसके बच्चे की माँ नहीं बन सकी, तो वो हताश होकर वाइजाग में विमला के पास चला गया। विमला? हाँ वो मेरे पास भी आया था। उसने कहा आंध्रा की पहली राजधानी मुझे वो नहीं दे सकती जो मुझे चाहिए, तो क्या तुम दूसरी राजधानी मुझे वो दे दोगे जो मुझे चाहिए? मैंने कहा ठीक है और हम साथ में रहने लगे। और आगे क्या हुआ? दूसरी राजधानी में भी वही हुआ था, कोई बच्चा नहीं, और फिर मुझे उस पर दया आ गई तो मैंने उससे तीसरी राजधानी कुरनूल से कमकम से कनेक्ट किया। एक और आ गई। मैं 5 महीने प्रेग्नेंट हूँ। झूठ बोल रही है, ये झूठ है। हाँ मैंने भी यही सोचा था, जब तक मैंने आपके पति की आपकी पड़ोसी पेंसिला दास के साथ बातचीत नहीं सुनी, मुझे भी विश्वास नहीं था। प्लीज लिसन दिस योर ऑनर।
लक्ष्मी बेकार है, प्रॉब्लम उसको है और सबको कहती है कि प्रॉब्लम मुझे हो रही है, और मुझे तो बच्चे चाहिए और मैं इंतजार नहीं कर सकता, इसलिए कनकम से शादी करके मैं दुबई जा रहा हूँ अभी के अभी। यंजी की वॉइस है, उसके लिए फॉरेंसिक की रिपोर्ट है, ऑलरेडी सबमिटेड योर ऑनर, प्लीज चेक इट। दिस केस इज डिसमिस्ड। तुम्हारे बेटे ने मुझे तुम्हारी याद दिला दी जब तुम उसकी उम्र के थे। फर्क बस इतना है कि हम न्याय के लिए खड़े हुए थे और वो न्याय को बेचने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारा बेटा होते हुए ये कैसे हो गया? जब तुमने रिजाइन दिया था मुझे तुम्हें अपना दोस्त कहते हुए गर्व महसूस हो रहा था, लेकिन आज जब मैं तुम्हें ऐसे बेटे का बाप हुए देखता हूँ। चलो छोड़ो, टेक केयर। कांग्रेट्स लकी, तुम सुपर हो यार। तुम्हारे पिता ने इतने सालों बाद कोर्ट में कदम रखा है, इतने सालों बाद, लेकिन तुमने उसकी परवाह किए बिना जीत दिलाई उस कमर्शियलिटी के लिए, हैट्स ऑफ है ब्रो। इसे हैट्स ऑफ क्या करूं? तुमने अंजय के साथ क्या किया? वो सेफ है ना? तुम मेरे किए क्राइम्स को छिपाने के लिए काम करते हो, इसके बीच में मत पड़ो। ठीक है, अगर तुम चाहते हो मैं चुप रहूं, मुझे वो लिफाफा दे दो। तुमने देख लिया, सोचो मैं तुम्हें कितना दे रहा हूं। ये इतना हल्का क्यों लग रहा है? मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ है। अगर मैं इसे फूंक मारूं, मुझसे पहले घर पहुंचा। ये हवा से उड़ने वाला कोई सैनिटाइजर नहीं है, वैसलीन है, जब तक कई बार धोओगे नहीं जाएगा। इसका मतलब इसमें बहुत पैसा है, केस के करेक्ट साइज का। अगली बार गाली लिफाफे में देना सर। लॉ की वजह से व्हाइट पहनता हूँ, लेकिन मुझे ब्लैक ज्यादा पसंद है सर। व्हाइट ज्यादा लीगल लगता है, इसीलिए पहले ऑफिशियल है। लॉजिक तो है इसमें। रेगुलर सैलरी के अलावा दीपावली के क्रैकर बॉक्स का गिफ्ट। ओह, दिस इज टू प्रेशियस टू मी। रियली? या, यू नो दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव गोल्फ क्लब इन द वर्ल्ड। एवरी फिंगरप्रिंट इस पर दिखता है। फिर तो मैं भी नहीं आने दूंगा। मैं इसे ऐसे का ऐसे ही ले जाऊंगा और इसे फ्रेम करवा कर आपको इसमें दिखूंगा। सर, अमूल्या। हाय। चलो चलो फिर मिलते हैं। लीव मी अलोन। गो 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 बेबी, कम ऑन। क्या है ये? मूल्या कौन है? मुंह बंद करना या सर से पैर तक आग लगी है और तुम उसमें घी डाल रहे हो। You're too hot. अंकल, फर्स्ट एपिसोड का आउटपुट ये है, आपने डिसअपॉइंटमेंट में पेग मारना शुरू कर दिया। चलो एक नई स्क्रिप्ट देखो, ये लक्ष्मी की तरह लेडी ओरिएंटेड सब्जेक्ट। फुल फैमिली पैक, एकदम क्राइम थ्रिलर। बताओ ने। हाँ सर, मेरा नाम आदर्श है, क्वेश्चन न्यूज के यूट्यूब चैनल में एक क्राइम रिपोर्टर हूँ सर। न्यूज इकट्ठे करने के प्रोसेस में मैंने देखा कि विवेक के प्रोजेक्ट के खिलाफ 9 लोगों में से 5 मिसिंग चल रहे हैं, बिल्कुल अंजी की तरह। अंकल, ये लाइन कैसी लगी? कमाल की है ना? ये कोई मामूली बात नहीं है बेटा। अगर एक ही इंसान के केस से जुड़े हुए तकरीबन 9 लोग मिसिंग हो जाते हैं तो ये केस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये स्टेट के लिए परेशानी का इशू है। ये सब स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, रीजनल सब भूल जाओ यार, अक्का की प्लानिंग पैन इंडिया है। मतलब मलयालम, कन्नड़ा, भोजपुरी, मणिपुरी, पानीपुरी, ये सभी लैंग्वेज में कमाल करेगी। आदर्श सर, क्या उन लोगों के परिवार हमारा साथ देंगे? यस सर, जो कहेंगे वो करेंगे सर, आंख बंद करके।
सब लोग लाइन के अंदर चलेंगे, अगर कोई भी लाइन के बाहर गया तो मदद नहीं करेंगे, ये वार्निंग है। आपके परिवार में जो हुआ उसके बारे में सुना मैंने, एक एक करके बताओ क्या हुआ था। आप यहाँ जो कुछ भी कहेंगे उसे वीडियो कंप्लेंट की तरह देंगे, स्पेशल बेंच परमिशन से। मैं संभाल लूंगा इस केस को और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जिस भी राक्षस ने तुम्हारे और तुम्हारे अपनों के साथ ये सब किया है उस राक्षस को फांसी की सजा मिले। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अच्छा, किसी को मौत की सजा दिलाना आसान है प्रवीण? बिल्कुल नहीं सीनियर। मुंबई के ताज होटल का केस देख लो, गोलियां मारकर हजारों लोग मार दिए, फिर भी उसका केस 4 साल चला। 1 अरब रुपया खर्चा करने के बाद तब जाकर उसको कहीं फांसी मिली। अगर उन्हें यही नहीं पता कि विवेक जी का क्राइम में क्या रोल है तो उन्हें फांसी पर कैसे चलाएंगे? ये बेचारे गरीब लोग शेयर ऑटो में यहाँ आए लगते हैं, न्याय के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे? न्याय व्याय कुछ नहीं होगा, सालों तक जजमेंट के इंतजार के बजाय मेरे हिसाब से जो विजय जी ने कैश भेजा है शांति से खुश होकर उसे घर ले जाना चाहिए। कोई जरूरत नहीं है। तो वो क्या लेंगे? मैं तुम्हें बताता हूँ, हमें देख के समझ नहीं आया सर, हम यहाँ इतने सालों बाद इतना प्रतिशोध करके यहाँ आए हैं, दिखता नहीं वो? ओ शिंदे, वो कैमरा चालू कर, हम अपने दर्द को आंसुओं में बदल कर कंप्लेंट करेंगे। दिल टूटने वाला दर्द दिखना चाहिए, तुम तैयार तो हो ना? सर, मेरा नाम जोगुला वेंकट राव है, महेश्वरम मंदलम गांव से, सर्वे नंबर 73। ताजा कमर्शियल ले शरण में ले लो। ये क्या कर रही है? भगवान की झोली से पैसा गिर रहा है तो मैं उसे पकड़ने जा रहा हूँ। ये कोई मेहनत का पैसा नहीं है, अन्याय से कमाया काला पैसा है। काला पैसा तो इसके जैसा काला होना चाहिए, लेकिन ये तो तुम्हारी तरह चमक रहा है। ए, खुद को संभाल कर कंप्लेंट पर कॉन्सेंट्रेट कर, वरना इसी कैमरे से मारूंगा। इधर खड़ा हो जा। माफ करना, पता नहीं मुझे 100 के नोट ने या 200 के नोट ने भुला दिया। अरे 500 रुपए के नोट भी है। वेंकट राव, नोट का टॉपिक बंद करो, हमें अपने भाई जोगुला के बारे में बताओ। बताओ क्या बताएगा जब उसका मन कहीं और पैसों में घूम रहा है? उन्हें गलत साबित करो वेंकट राव। मैं सही साबित करो वेंकट राव? वेंकट राव, ये माया ट्रैश है। नहीं, ये कैश है। नहीं वेंकट राव। कम ऑन वेंकट राव, ये तुम्हारा इसे ले। आ रहा हूं मैं। रुक जाओ। 1000 का नोट भी है। क्या तुम्हें ये नोट पसंद है? पसंद? अगर मुझे ये नोट मिल गया तो मैं 1 हफ्ता ठेके से नहीं लूंगा। अगर मुझे सारे नोट मिले तो मैं दारू का सिरसिला डैम बना दूंगा। और तुम्हारा भाई जाने की खाली जगह? पैसा भर देगा। तुम कीड़े हो, राक्षस है, तुम अपने भाई के लायक भी नहीं हो। ये लुंगी तुमने इसीलिए पहनी है? सर, सीरियल की शूटिंग नहीं चल रही है सर, हमारे पास एक अंडरवियर खरीदने के भी पैसे नहीं है। अंडरवियर कुछ नहीं है। ये गरीब के खून पसीने की कमाई है, इसे कोई लेगा तो अच्छा नहीं होगा। ए, क्या ये? प्लीज सर, मैं अंडरवियर खरीद लूंगा। तुझे बाहर निकालना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं उनके आगे झुकूंगा नहीं। ये सब तेरी जगह नहीं है। एक और बूम बूम, अब हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसा मत देखो सिस्टर, तुम्हारी स्माइल व्हाइट जैस्मिन जैसी है। नया नोट देखकर बह गया था, मेकअप मटेरियल के लिए काफी है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? हम सब यहाँ क्यों आए हैं और हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं? हे वेंकट राव, तू पागल हो गया है क्या? तेरे माँ बाप ने तुझे ये सिखाया है? हम इस सब में साथ थे यार, तुम ये सब अकेले कैसे ले सकते हो? सॉरी मैडम, गलती से लाइन पर हो गई। कोई बात नहीं, तुम वापस आ सकते हो। तुम मेरे लिए अपने रूल्स क्यों बदल रहे हो? तुम उनके साथ केस का डिस्कस करके डिसाइड कर लेना। कागज लो और मुझे मेरा बंडल दो। हटना। हो सकता तुम्हारा प्यार इन बंडल्स में हो, तुम ले सकते हो। सर, मेरे पति वहाँ उसमें है। मेरे पति सोम राजू, मैं आ रही हूँ। सोम राजू मेरी जान। अरे सोम राजू, रुक रुक रुक, कहाँ हो? तू कहाँ जा रही है? नोट में हो। अरे कहाँ जा रही हो? कहीं तुम्हें नोटों के नीचे सांस लेने में दिक्कत तो नहीं हो रही? मैं तुम्हें निकाल लूंगी। तुम्हें क्या हुआ? तुम उस बंडल्स के पास क्यों जा रही हो? लाइन पर मत करना। हटाना, मैंने लाइन पार नहीं की, कूद कर आई हूँ। सर, मेरे पास एक आइडिया है। आप मदद कर रहे हैं तो मैं कंप्लेंट करूंगा, लेकिन जो उसके पैसे दे रहे हैं वो मैं भी ले लूंगा और फिर मैं कोर्ट में विटनेस भी बना दूंगा। आपको मेरा आइडिया कैसा लगा सर? तो मैच फिक्सिंग क्यों नहीं करते हो? मुझे गुस्सा मत दिलाओ, सेफ लैंड हो गया ना। पायलट भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। ये लो सर, रख लो, ये लो, ले लो।
पक्का कमर्शियल रे 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 तुम लोग कौन हो? वेट अप एलम पैच, क्रैक मूवी वाले गुंडे। सच्ची? तो मैं क्या करूं? तुमने मुझसे मेरे क्लाइंट हड़पे अपनी कमर्शियल चालाकी से। इसीलिए मैं कमर्शियल फिल्म के गुंडों को यहाँ पर लड़ने के लिए लेकर आई हूँ, ताकि मैं तुमसे बदला ले सकूं। वाओ, तुम सब फिल्म के फाइटर्स हो। Can I take a small selfie with you guys? Sure, sir. Hey, okay, boys. Come. Let's take a selfie. Smile. Hey, Pangan aur Pudding, ye kya kar rahe ho? Idhar aao. Hey, Master Ji, tum iske saath selfie lene nahi aaye ho. Is commercial lawyer ki haddi todne aaye ho. Theek hai, ji. Kya tum mujhe jaan se maar doge? Action! Ye viewer ka. ये कहाँ जा रहा है? ओह, मैं नहीं देख सकता। बिना लात मारे गिर रहे हो, बिना छुए खून आ रहा है, जरा देखने दो। ये काटता क्यों नहीं है? ये ओरिजिनल है भी? वो बोतल दो। ये सब डमी है सर, बस दिखने में ओरिजिनल है। राजमौली जी, बुआपति जी के कमर्शियल फिल्म्स में सारे वेपन्स इसी मटेरियल से बनते हैं। ये पागलों के सरदार, तुझे ये करण जौहर लग रहा है? तुम हमारे डायरेक्टर का सब कुछ इसे क्यों बता रहे हो? इन पे भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। उससे बेहतर तो मैं ही हूँ। इससे अच्छा तो इसके साथ डांस करके और हरा कर उसे दूर कर दूँ। चलो कर। कौन है? एक तो मुझे स्टीम बात में परेशानी हो रही है, ऊपर से तुम आ गए मुझे तकलीफ देने। सर, लड़ाई भी शाम के बाद नहीं होती, और आप तो अपना काम सुबह तक भी खत्म नहीं करते। ये क्या चक्कर है सर? ए, तुम कहाँ जा रही हो? अंदर चलो। चलो सर, अपना काम बाद में करना। राजेंद्र लाइन पर है। हेलो सर, ये मरने वाला है, उससे बात कर लो। अरे अंजी बाबू, अपनी अर्थी के लिए तैयार हो जा। मैंने जो किया उसके लिए मुझे भूत बनकर डराने के बारे में मत सोचना। मैं जस्ट एक सेंट हूँ, एक देवदूत। न्याय की देवी जो कहेगी मैं उसका पालन करूंगा। कल कोर्ट में उसने मान लिया कि तुम दुबई गए हो, तो बाकी भी मान लेंगे, यहाँ तक कि तुम्हारी पत्नी भी। इसलिए मैं अपने पैसों का सपोर्ट लेता हूँ और अपने लोगों से तुम्हें ऊपर पहुँचाऊंगा। समझ आया? सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, तुम्हारे सिवा। आर यू रेडी? मैंने लक्ष्मी से वादा किया था कि मैं उसकी मदद करूंगा, इसलिए उसने मुझ पर भरोसा किया और अंजी शिकायत के लिए सामने आया। लेकिन अब उसे यह भी नहीं पता कि उसे क्या हुआ है। लक्ष्मी परेशान हो रही है। इनडायरेक्ट सबके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, मुझे ऐसा लगता है, और इसलिए मैं सो नहीं पाता। तुम मेरी इस केस में हेल्प नहीं कर सकते क्या? मैं बिल्कुल करूंगा, लेकिन सीनियर को पता नहीं चलना चाहिए। मैं आपको कहीं पर लेकर जाऊंगा, मेरे साथ चलिए। तो अंजी की नकली पत्नियां, तीन राजधानी, पक्का कमर्शियल लेडीज। जो उन्हें चाहिए आप उन्हें दे दो, वो सब करेंगी जो आप कहोगे। देखो, कैश थोड़ा टाइट है, मेरी कार रख लो।
तुम ये सब कर रहे हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैं ये आपके लिए कर रहा हूँ। वैसे मैं सीनियर का जूनियर हूँ, लेकिन पढ़ाई में आपने मेरी हेल्प की थी। सुनो, तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से मेरे जैसे लोग इस दुनिया में जी पाते हैं। देखो अब मैं क्या करता हूँ, देखो मैं कैसे उनके पसीने निकालता हूँ। क्या बात है, तुझे एसी में भी पसीने आ रहे हैं, कॉल क्यों करे जा रहा है? ये जगह ठंडी है पर मैं अंदर से उबला पड़ा हूँ। क्या हुआ बताओ? यहाँ घबराओ मत, सेटल होकर बताओ। उस दिन तुम आए थे, वो लेडी याद है, अमूल्या? हाँ। वो बुड्ढा उससे शादी करने के लिए प्रपोज करना चाहता है। कौन बुड्ढा? विवेक सर यार। मुझे लगा ही था, उसकी बॉडी लैंग्वेज अलग ही थी। वैसे वो अमूल्या कौन है? मेरी सोलमेट, मेरी सोलमेट है यार। तुम्हें यकीन नहीं है, यहाँ चेक करो। अरे ओ, मुझे भी कुछ मिलेगा। आ जाओ। अपनी लाइफ में पहली बार मुझे सच्चे प्यार का एहसास हुआ। मैं चाहता था कि यह एहसास ऐसे ही बना रहे। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। अगर वो तुम्हारी सोलमेट है तो वो कैसे? मैं क्या बोल रहा हूँ, वो हमेशा ऐसे ही है। वो उसी भैंस को साथ रखता है जिसे मैं साफ करता हूँ। जो धंधा मैं पकड़ता हूँ वो भी वही पकड़ता है। वो उस भैंस पे बैठना चाहता है जिसपे मैं बैठ के पूरा गाँव घुमाऊँ। और अब वो उसी लड़की से शादी करना चाहता है जिसे प्यार करता हूँ। तो ऐसा कुछ करो जिससे वो बुड्ढा उससे शादी ना कर पाए। ये बस तुम ही कर सकते हो क्योंकि वो तुम पर भरोसा करता है। अगर तुम कुछ लीगल रीजन लाओ और उसे डरा दो तो अमूल्या मेरी हो जाएगी। चलो कुछ करते हैं, लेकिन पहले ये बताओ। चलो दिखाता हूँ। हाँ, वो रहा। मुझे ये प्रपोजल दिवाकरम से एक्सपेक्टेड था। छी, तुम क्वीन हो, तुम्हें मेरे जैसे किंग से प्यार होना चाहिए, न किसी नौकर या किसी कंकड़ पत्थर से। मैं तुम्हारी किस्मत जानता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ लकी, कम, एक गुड न्यूज है, सिट डाउन। एक बार बाहर आ सकते हो? वन मिनट स्वीटहार्ट। सर, मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो। इस उम्र में शादी क्यों सर? आप जितनी चाहे फीस देकर रोज फार्म हाउस पर नाच गाना करके मजे कर सकते हो सर। यू नो, वैसे तो हर बार मैं भी यही प्रेफर करता हूँ, लेकिन हर औरत को पैसा नहीं चाहिए होता है, और ये इस जैसी सुंदर के लिए थोड़ा मुश्किल है। हाय बेबी। हाय। इसलिए उसकी मर्जी से उसे शादी कर रहा हूँ और ऑफिशियली उसके साथ एंजॉय करूंगा, और जब तक मैं जवान हूँ फन करूंगा। एंड वन फाइन डे मैं कहूंगा कि उसका कैरेक्टर खराब है, तुम्हारी मदद से तलाक लेकर भेज दूंगा। तुम्हें लगता है मैं उसे परमानेंट रखूंगा? मुझे हर दिन सेम हेयर स्टाइल रखना पसंद नहीं है। अगर मैं एक ही औरत के साथ फंस गया तो इतने हेयरस्टाइल रखने का क्या फायदा है? सर, आई एम कन्विंस्ड, लेकिन उससे पहले मुझे चेक करना होगा कि आपके लिए करेक्ट है। ए, दिवाकरम ने मुझे उससे मिलवाया था। जब वो मार्केट से भैंस खरीदता है, हमें क्वालिटी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सर, वो भैंस नहीं, वो इंसान है। अगर आप उसे 10 दिन की पहचान में प्रपोज कर लेंगे, वो जेन्युइन है और उसकी इंटेंशन करेक्ट है, वो देखना होगा पहले। यू आर माई वेल विशर, एज यू विश। सर, अम्मू के सामने ऐसा मत करो, मुझे बुरा लग रहा है। अगर तुम ये बोलोगे तो मैं तब तक करूंगा जब तक तुम्हारे टकले से खून नहीं निकलता। तुम्हारे पति की मौत कैसे हुई? मुझसे शादी करनी थी तो पति को क्यों नहीं मारेगा? सर, अगर आप ही उसकी जगह जवाब दोगे तो वो उसका इंटरव्यू क्यों ले रहा है? एक्सीडेंट में। अच्छा, तुम दिवाकरम से प्यार करती थी ना? लेकिन पहले विवेक जी ने प्रपोज किया। अरे, मुझे क्या पता था कि ये ओवरटेक कर लेंगे। अगर मैं कहूं कि तुम उससे पैसों के लिए शादी कर रही हो? लेकिन प्रपोज तो उन्होंने किया, मैंने नहीं। कॉन्ग्रेट्स सर। थैंक यू। जैसे आपने मुझे सिलेक्ट किया, आपका सिलेक्शन कैसे गलत हो सकता है? तो उनकी शादी, इसका बैकग्राउंड तुम संभालना। मैं नहीं कर सकता। बंद करो और वहाँ देखो, उनकी शादी हो गई। ये लो, ये चावल लेकर उसे आशीर्वाद दो। कैसा आशीर्वाद? ये तो मुझसे भी पुराना है, ये यहाँ अब नहीं, त्रेता युग से है।
सुनो, यहाँ तुम्हें कोई आशीर्वाद नहीं देगा, खुद को आशीर्वाद दो। क्या फर्क पड़ता है, चलो खुद ही को आशीर्वाद देते। छोड़ गई। अमो अमो रुको रुको रुको, उसकी बात को दिल पर मत लो। देखो मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और तुम क्या कर रहे हो, यहाँ क्यों मना रहे हो, मीडिया है। अरे कमरे में जाकर मनाओ, यहाँ क्यों। बिल्कुल, लेकिन मेरे सिस्टम को चार्जिंग के लिए थोड़ा टाइम चाहिए ब्रो। क्या ये बाल नकली है? है, ये क्या है, तुमने मेरे बाल खींच लिए। बहुत वीक है ये बाल, बहुत पुराने हैं ना। केवल शरीर बूढ़ा होता है, दिमाग नहीं पागल। गांव की भैंस को समझाना मुझे नहीं। तेरी क्या? सर, 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 मैं आपकी शक्ति को जानता हूँ, इसलिए मैं डॉक्टर मस्तानी यादव के जादू की गोली लाया हूँ। बस एक गोली लेते ही अरेबियन ऊंट अफ्रीकन घोड़ा बन जाए। उसे लगेगा कमरे में कोई जानवर घुस गया है, वो भाग जाएगी। ऐसे भोगते रहोगे तो तुम्हारे टकले के साथ फुटबॉल खेल लूंगा, समझे। पहले असली गेम खेलकर कप लेकर आओ, फिर मर्दानगी की बात करना। मेरी तो सर, मैं... सर, 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 मैडम बुला रही है, चाहिए ना, चाहिए चाहिए, एंजॉय करो, गो, जस्ट एंजॉय योरसेल्फ, गो। दिवाकरम, वो क्या है यार, तू रहने दे यार, पहले जलाते हो फिर दवा लगाते हो। उसे कौन जलाएगा जो खुद ही जला हुआ है। मुझे कुछ बताना ही नहीं चाहिए था, अब से अपना मुंह बंद रखूंगा। एक बार ट्राई क्यों नहीं करते हो। दिवाकर सुनो, मुझे भूल जाओ, लेकिन तुम्हारा क्या मतलब, अमूल्या तुम्हारे घर आई ना, तुम उसे जानते थे तो तुमने विवेक जी से क्यों मिलवाया। क्योंकि उसे जॉब चाहिए थी, मुझे लगा अगर उसकी नौकरी लग गई तो मैं उसे रोज देख सकूंगा, इसीलिए मैंने उसको फोटो दिखाई, पर ये सांड उस पर कूद पड़ा। मुझे लगता भगवान ने तुम्हारी आत्मा की सुन ली। देखो देखो सांड आ गया। अरे हो भी गया, ये तो बहुत जल्दी हो गया। सही कहा, क्योंकि तुम्हारा बाप मुझे चैन से जीने नहीं देगा। पापा शादी में कब आए? शादी में नहीं, मेरे रूम में। रूम में क्यों? तुम्हें समझ नहीं आया, वो मीडिया वाले मुझे मेरे कमरे में भी नहीं छोड़ रहे, उन्होंने अंजी का केस खोल दिया। ये सब ठीक है ना? अरे विवेक इधर देख, अंजी मिसिंग केस के सारे विटनेसेस फेक थे, मिस्टर सुंदरम का बेंच ये मान चुका है। केस को सभी एंगल से देखने के लिए कोर्ट ने पुलिस को ऑर्डर्स दे दिए हैं। सेशंस कोर्ट में हियरिंग स्टार्ट करने के लिए हाई कोर्ट ने ऑर्डर्स पास कर दिया है। डार्लिंग कम, मैं कैसे, मैं नहीं फंस सकता। अरे वो केस हार गए तो मुझे लगा वो चुप बैठ जाएंगे, लेकिन उन्होंने फिर से खोल दिया। लक्की, तुम्हारे पापा मुझे परेशान कर रहे हैं, जबकि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम ये हैंडल करोगे, तो मैंने उन्हें छोड़ दिया। लेकिन अगर वो ऐसे ही मेरे रास्ते में आते रहेंगे, मेरे लोग उन्हें छोड़ेंगे नहीं, मार मार के कीमा बना देंगे उनका। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं कल कोर्ट में उन्हें संभाल लूंगा। आप अंदर जाओ, मैडम इंतजार कर रही है, जाओ जाओ एंजॉय करो। क्या एंजॉय करूँ यार, जो गोलियां तुमने दी वो मैंने ले तो ली, मेरी जिंदगी चाय में डूबे बिस्किट जैसी हो गई है, एकदम डुबुक से डूब जाती है। तो कुछ नहीं हुआ? नहीं यार, वो एकदम नीचे गिर गया, कुछ काम नहीं हुआ। काम शुरू हो रहा था और वो एकदम से नीचे गिर गया। ये बिल्डिंग 10 क्रेन से भी नहीं खड़ी हो रही है। खुश हो? बिल्कुल खुश हो, अपनी न्यू स्माइल को देखो तुम। ऑर्डर ऑर्डर। Order in the court, please. Mr. Lucky, इस केस में जो आपने विटनेस पेश किए थे वो प्रोस्टिट्यूट थे। साथ ही मिस्टर अंजी के गायब होने का रीजन मैथिली कंस्ट्रक्शन के खिलाफ स्टे ऑर्डर की वजह है। इस कोर्ट को ऐसा ही लगता है। इस केस को संभालने में आप कुछ कहना चाहते हैं? Yes, Your Honor. Before that, Senior Lawyer, ex Judge. मिस्टर सूर्य नारायण का क्रॉस एग्जामिनेशन की परमिशन कोर्ट से चाहता हूँ। मैं सूर्य नारायण, आप ही है ना, आप सत्यराज तो नहीं है? प्रोसीड। थैंक यू फॉर योर कॉपरेशन। मिडिल क्लास के होते हुए बड़ी मेहनत से जज बने, आपको तो जज की कुर्सी पर होना चाहिए था, लेकिन किराना शॉप में शिफ्ट हो गए, जान सकता हूँ उसका कारण? न्याय व्यवस्था में बहुत ज्यादा कमर्शियलिटी आने की वजह से क्यों किसी को इस विवेक जैसे ने पैसों का लालच दिया। ये पवित्र जगह बिजनेस का अड्डा बन चुकी है, जिस वजह से मैं जो न्याय को मानता था, एक बेकसूर लड़की के लिए गलत फैसला दिया मैंने। मैं समझ गया, आपने रिजाइन दिया क्योंकि आप कानूनी तरीके से उस इंसान से नहीं लड़ सके जो आपको भ्रष्ट लगा। चलिए ठीक है, अच्छा ये बताइए कि आप वापस क्यों आ गए?
इस विवेक की वजह से रोज रोज क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ लॉयर ऐसे हैं जो कि कमर्शियल हो गए हैं और पैसों के लालच में कुछ भी कर रहे हैं। तो अब मैं टारगेट हूँ, मतलब आप इस इंसान को 25 साल के लिए जेल में डालना चाहते हैं, क्योंकि आपके सिवा सबके सब करप्ट हैं। तो मेरे हिसाब से आप अपना बदला लेने यहाँ वापस आए हैं। तुम चाहे कुछ कहो, पर वो क्रिमिनल है, उसने क्राइम किया है। यहाँ खड़े होकर आप ये डिसाइड नहीं कर सकते, इसका फैसला बस एक जज कर सकता है। आपने इन्हें सुना योर ऑनर, इन्होंने खुद मेरे क्लाइंट मिस्टर विवेक को कुछ साल पहले बरी किया था, फिर उन्हें लगा कि उन्होंने गलत फैसला सुनाया और रिजाइन कर दिया। अब वो मेरे क्लाइंट की तरक्की देख नहीं सकते हैं, इसलिए उन्हें फंसाने का ट्राई कर रहे हैं। क्योंकि उनके झूठे केस मिस्टर विवेक के सामने नहीं टिक सके, तो वो पुराने केस खोद रहे हैं, वो भी झूठे, उन्हें गलत साबित करने के लिए ये, और उन्हें फांसी दिलाना चाहते हैं ये एक्स जज। मतलब वो प्रोस्टिट्यूट्स नहीं है? प्रोस्टिट्यूट्स होने का क्या मतलब है? क्या वो इंसान नहीं? क्या वो कभी माँ नहीं बन सकती? हाँ, क्या ये सच नहीं है कि उनमें से एक 5 महीने की प्रेग्नेंट है? एज अ प्रूफ गायनेकोलॉजिस्ट रमा देवी की रिपोर्ट सबमिट करना चाहता हूँ योर ऑनर। यहाँ तक कि जब मैंने उसे अदालत में उन्हें गवाह की तरह पेश किया, मैंने ये नहीं कहा कि वो अंजी की पत्नियां हैं, मैंने कहा कि अंजी ने उन्हें माँ बनने के लिए पूछा था, लेकिन ये एक सच को झूठ में बदलना चाहते थे, तो उन्होंने मेरे जूनियर को बुलाकर उन्हें कार गिफ्ट करने का कहकर यहाँ झूठ बोलने के लिए मजबूर किया। ये सच है सर। योर ऑनर, अगर सिस्टम में कोई दिक्कत है तो उन्हें कानूनी तरीके से ठीक करना चाहिए था और लोगों के लिए मिसान बनाना चाहिए था, इसके बजाय जज ने अपने बदले को सबसे ऊपर रखा और सोसाइटी के एक सम्मानित इंसान को बदनाम करने की कोशिश की। और इसी तरह इस इंसान ने 1961 में अंडर सेक्शन 35 पनिशमेंट फॉर एडवोकेट मिसकंडक्ट के तहत केस होना चाहिए और मेरे क्लाइंट की लाइफ में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट घुसने से रोकना चाहिए, उनकी उम्र को ध्यान में रखते हुए उन्हें घर बैठने को कहा जाए। एज अ लॉयर, एज अ सन, मेरी कोर्ट से दरख्वास्त है। दैट्स ऑल योर ऑनर। सुपर। पास्ट एक रेयरव्यू मिरर की तरह होता है, गाड़ी चलाते हुए जरूरत पर ही देखना चाहिए। अगर इसमें देखकर गाड़ी चलाओगे एक्सीडेंट हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ पापा, इस उम्र में इस तरह की ड्राइविंग आपके लिए अच्छी नहीं है। वैसे मैं ये बात आपका लाइसेंस कैंसिल करवाने के बाद कह रहा हूँ। आई होप सेफ्टी के लिए की गई एक बेटे की कोशिश को आप पॉजिटिवली लेंगे। मैं आपके सेफ रहने की कामना करता हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा कि तुम मेरे लिए ये सब करोगे लकी। वैसे तुमने अच्छा काम किया, लेकिन मुझे हमेशा डाउट होता था। मैं हमेशा सोचता था क्या तुम अपने बाप को पैसे के लिए दुश्मन बनाओगे, क्या वो अपने बाप को दुश्मन बनाएगा? लेकिन तुमने मुझे रॉन्ग प्रूव कर दिया है। कमर्शियलिटी के लिए रिलेशनशिप वेस्ट होती है, तुमने ये साबित कर दिया है। सुनो, मैं तुम्हें डबल प्रमोशन दे रहा हूं। जैसे ही मैं एमएलसी में पद लूंगा, मैं मंत्री का चार्ज लूंगा, मेरी लॉबी को तुम हेड करोगे, रिच हो जाओगे, जितना हो सके उतना लूट कर रख लेना। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। वी विवेक वर्धन, यानी मैं शासन परिषद के लिए चुना गया हूँ। हो गया, मुझे चुन लिया है ना। पढ़ो प्लीज। भारत देश के सर्वो सार्वभौमिक अधिकार।
हाँ, जो सर ने अभी कहा वही है। मैं भारत को संभाल कर रखूंगा, मैं अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा, ना चाहते हुए माफ करना, श्रद्धा के साथ सभी भगवान को साक्षी चालू करो। क्या प्ले? एक लाश बरामद हुई है जो आज अभी MLC की शपथ लेने वाले फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर विवेक के घर के अंदर से। पुलिस के मुताबिक मरने वाला कैब ड्राइवर इसमें था। मुझे नहीं पता। ये तुम्हारा फार्म हाउस है, तुम इसे जानते हो ना? नो, बट मुझे नहीं पता ये कौन है सर। सर, मेरे बॉस को क्या, मैं भी नहीं जानता कि स्माइल कौन है। अगर ये कैब ड्राइवर की लाश है तो हम इसके बारे में नहीं जानते। किसी ने कब्रिस्तान समझकर हमारे यहाँ दफना दी होगी। नहीं, मरने वाले की पत्नी का कहना है कि विवेक उनकी मौत के जिम्मेदार है। ए दिवाकरम, वो वहाँ क्या कर रही है? अमूल्य, मेरी हुए की पत्नी कैसे हो सकती है? जाकर पूछो, मैं उसे सबक सिखाता हूँ। हे हट, ये तुम्हारी पत्नी है ना? कुछ तो गड़बड़ है सर। पहले पेपर पढ़ने दो। रुको, उसे बोलने दो। विवेक की मुझ पर नजर थी, उसने मेरे पति को पीटा और मार डाला, उसने मेरी बेटी को नुकसान पहुँचाने की धमकी दी और जबरदस्ती मुझसे शादी की। नहीं नहीं, वो झूठ बोल रही है। विवेक का पीए दिवाकर मुझे फोन कर रहा है, आप सुनिए वो क्या कहेगा। हे अमूल्या, तुम बुरखे में वहाँ क्या कर रही हो? तुम मुझे अमूल्या क्यों बुला रहे हो पागल? मेरा नाम शैला बानू है। हाँ? इस माल की बीवी हूँ मैं। बीवी हो या बीपी हो, अभी उस जगह से निकलो। चल चल निकल, नहीं तो तुम क्या करोगे? हा? अगर नहीं मानी तो मेरे आदमी तुझे बालों से पकड़ेंगे, समझी क्या? तुझे नहीं पता वो क्या कर सकते हैं, वो सब राक्षस हैं। आने दो उन्हें, आने दो, मैं यहीं पर हूँ। जब तक तुम और विवेक पकड़े नहीं जाते, मैं इसी जगह पर बैठी रहूंगी। क्या बकवास है, तुझे क्या लगता है तू बड़ी तेज है? वहाँ बस एक लाश है, मैंने 20 और दफनाई है। मेरे बॉस ने अगर बोला ना, लोगों को घास की तरह काट दूंगा। दिवाकरन, भीख मांग रहा हूँ, चुप हो। हे, तुम्हारी इन धमकियों से डरेगी नहीं ये शैला बानू। हे मुंबई की शैला बानू, अगर तू वहाँ से नहीं निकली ना, तेरे पति के पास तेरी लाश पड़ी होगी। ए, कमीना, चुप हो जा तू। सर, बस 2 मिनट और रुक जा। अब बोल। सुन, हाँ? तुमने सब गड़बड़ कर दी। क्या हुआ? मैं तो सीक्रेट में बात कर रहा हूँ। अपना सीक्रेट देखो। बताओ तुमने कितने लोगों को मारा और क्या क्या किया? हाँ? हेलो पैरागॉन चप्पल वाले, क्या तुम्हारी आइसक्रीम में चेरी है? तुम्हें आइसक्रीम चाहिए सच में? मैं इसे कंप्लीट करता हूँ, मैं ये पूरा पढ़ता हूँ। जेल में जाकर पढ़ना है? जेल में जाकर पढ़ना। शिट। हेलो। हे, लाइव में तुम्हारे चेहरे का रंग मैं नहीं देख सकता, लेकिन टीवी पर साफ दिखाई दे रहा है। अब तुझे कोई भी नहीं बचा सकता। और तुझे भी, और तुझे भी। हेलो, मैं उनसे बात करूंगा माँ, मैं बात करूंगा, आप चिंता मत करो। सर, आपके आदमी मेरे पापा को ले गए हैं। मैंने तुमसे कहा था ना, अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरे आदमी उसे छोड़ेंगे नहीं। सर, अगर आप उन्हें एक फोन कर देते। वो मेरी सुनते कहा है, अगर वो मेरे हर चीज में बीच में आएंगे तो वो क्या सुनेंगे, नहीं मानेंगे। अपने फालतू बाप के बारे में छोड़ो और मेरी बेल का सोचो। जितना चाहिए पैसा ले लो, अपने इमोशंस को साइड करो। सर, क्या है? हाँ?
वो कैश का आपने बोला वो पैसा फाइनल कर ले। इंप्रेस कर दिया इधर मेरे टक्कू। लकी बेल का क्या अपडेट है? मुश्किल लग रहा है सर, आपके आदमियों की वजह से अब आपको कोई बेल नहीं दिलवा सकता। है? हाँ सर, उन्होंने एक सिंसियर प्रिंसिपल्ड आदमी को मारा है, उन्हें खून आ गया है सर। हाँ तो ये कि क्योंकि मैं आपका आदमी हूँ मैं चुपचाप आपसे पैसे लूंगा, लेकिन मेरे आदमी तुम्हारे आदमी? हाँ सर, अगर आपके आदमी हो सकते हैं मैं भी आदमी हो सकता हूं। हार्डकोर फैंस, जैसे आपके फैंस आपको फॉलो करते हैं मेरे फैंस मेरे पापा को फॉलो करते हैं साइलेंटली। वो मेरे पापा से प्यार करते हैं, अगर आप उन्हें मारोगे तो वो चुप कैसे बैठे? मेरे जितने भी फैंस हैं ट्विटर पर ट्वीट या दूसरों को ट्रोल या सोशल मीडिया पर नहीं है सर, तो अंदर के माइजेंस जो अपनी जान पर खेलने के लिए तैयार है, अगर उनके पास पान है तो वो अपनी बाजू उठाकर अपना काम करते हैं, कट आउट तोड़ते हैं और पोस्टर को फाड़ देते हैं। लेकिन मैं आपको बताना भूल गया, मेरा एक फैन साइको भी है, वो मेरे पापा के लिए क्रेजी है। जब तुम्हारा एक आदमी चाकू लेकर मेरे पापा के पास आया उसने उन्हें बहुत बुरी तरह मारा। तुम बस रुको,
मैंने बस लाइफ में अच्छे से सेटल होने के बारे में सोचा है। मेरे पापा की ओल्ड रिवेंज स्टोरी से मुझे कोई लेना देना नहीं है जिससे मेरा करियर बर्बाद हो जाए। आप क्या सोच रहे हैं? हमारे बीच कभी भी पहले बुरा खून नहीं था और हमारे बीच कोई रंजिश नहीं है, फिर उसने ऐसा क्यों किया? आप अकेले नहीं है, वो भी ऐसा ही सोच रहा होगा। उसने कोर्ट में सबके सामने मेरा अपमान किया, मुझे बहुत बुरा लगा। क्या उसको नहीं पता कमर्शियल क्या होता है? बाप पर हाथ उठाता है। क्या सच में वो मेरी परवाह करता है ना पापा? क्या मैं कुछ बताऊं? मैं आप दोनों से ज्यादा इमोशनल हूं, लेकिन मैंने अपने इमोशंस को दबा दिया है और इन दिनों एकदम सख्त पत्थर की तरह बनकर रहता हूं। पता है क्यों? क्योंकि तुम मेरे डैड को उस वक्त डिप्रेशन में लेकर गए थे जिस वक्त उन्हें अपने 8 साल के बच्चे को रोशनी दिखानी चाहिए थी। तुमने मेरी जिंदगी से खिलवाड़ किया। वो दुनिया के लिए जज थे और घर पर बच्चों की तरह मेरे साथ हंसते खेलते रहते थे। तुमने उस हंसी को शांत कर दिया। तुमने मेरे पापा को रिजाइन करने पर मजबूर किया और उन्हें किराना शॉप खोलनी पड़ी, सामान ढोना पड़ा। तुम्हारी वजह से मेरी माँ कुछ नहीं कर पाई और उन्होंने लोगों के ताने सुने। वो हमेशा अमूल्य की मौत के लिए उनके पति को कसूरवार ठहराते थे। तुम्हारी वजह से उन्होंने शर्मिंदगी झेली और दर्द से गुजरी। मेरे पापा उस घटना को बार बार याद करते थे। उन्हें लाचारी महसूस होती थी कि वो तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर पाए, तो उससे निकलने के लिए उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया। कभी कभी तो वो कूड़े के ढेर में ही सो जाते थे। मुझे आधी रात को उन्हें ढूंढना पड़ता था। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने कितना दर्द दिया है हम लोगों को, हाँ? मैं कुछ करने के लिए बहुत छोटा था और खुद को लाचार समझ रहा था। तुमने मेरे परिवार की खुशियों को छीना और उनकी जिंदगी बर्बाद की है। मैं रोज रोता था। मैं तुम्हें दीवार पर ड्रॉ करके मारता था। तुमने मेरा बचपन खराब कर दिया। मेरा बचपन आंसुओं और बेचैनियों से भरा था और गुस्से की आग में मैं तुम्हें ड्रॉ किया करता था। मेरी बचपन की भी स्वीट मेमोरी हो सकती थी, लेकिन तुमने इसे पेनफुल पैथेटिक स्टोरी बना दिया। इसलिए एक जज के बेटे के तौर पर मैं बिना अपने हाथों में खून लगे तुम्हें मारना चाहता था। तुम्हें बर्बाद करने के लिए बहुत इंतजार किया, शायला बानू से मिला और मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली। बोलिए बानू जी, क्या चाहिए आपको इस कमर्शियल आदमी से? मैंने अपने हस्बैंड को मार दिया। हालांकि गलती तुम्हारी नहीं है, पर मर्डर एक क्राइम है। आपको सजा जरूर मिलेगी। मैं कुछ करता हूँ जिससे आप और आपकी बेटी खुशी से जी पाए। जैसा मैं बोलूँ वैसे कीजिएगा। तो शायरा बानू अमूल्या बन गई और मैंने उसे दिवाकर अपने घर के सामने किराए पर मकान दिलवा दिया। उसी रात तुम्हारे फार्म हाउस के कोर्टयार्ड में बॉडी पहुंचा। चलो चलो खोदते रहो, ये गैर कानूनी है, इसलिए हमें जल्दी करना होगा। मुझे पता था तुम लड़की बास हो, तो मैंने अमूल्या को दिवाकरम के पास नौकरी मांगने के लिए भेजा। सर, अमूल्या। और मैंने तुमसे उसे शादी के लिए कहलवाया। मैंने ये यकीन दिलाया कि शादी मेरी सहमति के साथ ही हो, लेकिन पहले मुझे चेक करने दो लड़की आपके लिए सही है या नहीं। कांग्रेट सर, यू सिलेक्टेड मी, तो आपका सिलेक्शन कैसे खराब हो सकता है? मीडिया के सामने मैंने ऐसा दिखाया कि वो आपसे शादी नहीं करना चाहती। जब तुम हनीमून के लिए गए थे तो मैंने ध्यान भटकाने के लिए अपने पापा का वीडियो चला दिया। डार्लिंग, अरे कैसे आऊं मैं, बर्बाद हो गया हूं। लेकिन सीनियर सब कुछ सेट है, लाइव टेलीकास्ट 2 मिनट में शुरू हो जाएगा। मैंने ऐसा टाइम सेट किया कि तुम्हारा शपथ ग्रहण सेरेमनी तुम्हारा अंत हो। मैंने सबके सामने तुम्हें कातिल की तरह दिखाया और तुमसे बिल्कुल किनारा कर लिया। हे भगवान,
अद्भुत। जब मैं क्राइम करता हूं तो बदला लेने का कोई स्कोप भी नहीं छोड़ता। अब जब तुमने मुझे फ्रेम किया ही है, एक मर्डर जो मैंने कभी किया ही नहीं, लेकिन तुम्हें लगता है कि उसकी वजह से तुम्हारा बचपन बर्बाद हो गया? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें तुम्हारा रिवेंज लेने दूंगा? ये इंडिया है प्यारे, यहां किसी को दोषी करार देने में सालों लग जाते हैं। ए वीरैया, क्या मुझे नहीं पता कि तुम जैसे कितना आगे की सोच सकते हैं? इतने सालों तक तुमने हमारे जुडिशियल सिस्टम का इतना मजाक बनाया है, तो शायद तुम अभी तक हमारे बारे में जानते नहीं हो। एक छोटा सा ट्विस्ट तुम्हारे गले में फांसी का फंदा डाल सकता है। अगर तुझ में दम है तो अपनी नॉलेज, पैसा, रेप्यूटेशन और पहुंच इस्तेमाल खुद को उस क्राइम से बचाने के लिए कर जो किया ही नहीं। आओ। सुनने में अच्छा है ना, एक साधारण रिवेंज फॉर्मेट में नया लीगल पॉइंट जोड़ दिया है। ये अच्छा लग रहा है, मजा लेंगे। चलो सर, नई लीडी लॉयर यहाँ है, उसने आपको बेल दिलवा दी। स्माइल सर। ये कैसी आवाज थी? मेरे पापा कहा करते थे कि आदमी को कला का सम्मान करना चाहिए, वरना एक इंसान और दरिंदे में क्या फर्क रह जाएगा। तुमने उनकी बात मानकर कला का सम्मान किया और फिर जेल में पहुंच गए, इसलिए हम यहाँ लॉयर से मिलने आए हैं, समझ गए? अगर उसे ऐसे ही नजरों से देखोगे तो किसी कला के सम्मान के लायक नहीं रहोगे। लॉयर है? क्या हुआ सर, अंकल डल क्यों लग रहे हैं? क्या उसने मुझे अंकल कहा? कुछ नहीं बेटा, वो इस केस को लेकर कुछ ज्यादा ही परेशान है। Why अंकल? अगर आप देखते हैं कि विटनेसेस ऑपोजिट लॉयर ने प्रेजेंट किए हैं तो आप केस की गहराई को समझ जाएंगे। मैंने कोई मर्डर नहीं किया है, आप किस गवाह और गहराई की बात कर रही है? लेकिन उन्होंने एविडेंस सबमिट किया है कि आपने शैला बानू के पति को मारा है, उस गोल्फ क्लब से जो आपने उसे बाद में गिफ्ट किया था, फिर उसने उसमें आपका खून लगाकर उसे सेफ रख दिया। ये क्या मैटर रखता है? उसके पास ग्लव्स भी हैं अंकल। उसने ये कह के प्रूफ सबमिट किया कि जैसे अपने टिश्यूज को लंच के बाद फेंकते हैं, उसी तरह आपने ग्लव्स को मर्डर के बाद फेंक दिया। ठीक है, लेकिन वो ये प्रूफ करेगा कि मैं वहाँ था? उसके पास आपके बाल हैं अंकल। जो बाल उसने आपकी शादी में मजाक में उखाड़े थे, उसने अपनी पॉकेट में संभाल कर रख लिया और डेड बॉडी के पास फेंक दिया ताकि ये लगे कि आप वहाँ थे। ये मुझे दोषी बनाने के लिए काफी नहीं है। वो ये जानता है, इसीलिए उसने आपकी डायमंड रिंग वहाँ गिरा दी जहाँ बॉडी को दफन किया था, ताकि ये लगे कि आपने बॉडी गाड़ते हुए रिंग वहाँ गिरा दी। मुझे समझ नहीं आया। यहाँ तक कि उसने मीडिया को भी इस प्लान में शामिल कर लिया था। ये है शैला बानू हाउस, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि उसने शैला बानू के हस्बैंड को कैसे मारा। फॉलो मी। वो इसी तरह घर में घुसा और उसने उसके हस्बैंड को मार दिया जो उस वक्त सोफे पर बैठा था। ऐसे गोल्फ क्लब से मार कर, मार कर, मार कर। उसने खून से लथपथ वहीं बॉडी पड़ी रहने दी। यस, मैंने मार डाला। ये सब ठोस सबूत विटनेस है। क्या आप किसी ठोस विटनेस को जानते हैं? क्या आपने अंजी के साथ क्या किया? क्या तुम्हें लगता है उसने उसे बचाया? मैंने उसे बहुत पहले मारकर पिलर में प्लास्टर कर दिया। ये किसका वर्जन है, वंशी का, वसु का या मिस्टर अरुण का? ये मेरा है। ए अंजी बाबू, अपने अंतिम यात्रा की तैयारी कर लो। मैंने अपने आदमियों को फोन किया और उन्होंने उसे दफनाने की पूरी लाइव फुटेज दिखाई। इस कहानी के और भी वर्जन पता है डायरेक्टर का। आपने उन्हें कॉल किया था, ये सही है, आपने उन्हें उसे मारने के लिए कहा, लेकिन उस दिन उन्होंने उसे नहीं मारा। हेलो सर, ये आदमी मरने की कगार पर है, प्लीज उससे बात करो। ए अंजी बाबू, अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी कर लो। मैं अपने आदमियों को तुम्हारे स्वर्ग भेजने के लिए पैसा भेज रहा हूँ। जो विला आपने लकी को दिया था वो उसने बेच दिया, चेक कैश करवा कर उसने सारा पैसा आपके आदमियों को बांट दिया, फिर उसने अंजी को राजा की तरह छुड़ा लिया।
जो भी ट्रिक्स उसने आपसे सीखी उसने आपके खिलाफ इस्तेमाल की और उसने सारे विटनेस यहाँ तक कि अंजी को भी चीफ जस्टिस के सामने पेश कर दिया। उसने ये सब एक बेटे के तौर पर अपने पिता को जिताने के लिए किया, लेकिन एक लॉयर के तौर पर कानून की जीत के लिए ये पक्का किया कि कोई लॉयर आपका केस नहीं लेगा। उसने बार काउंसिल के हर मेंबर को अपने स्टाइल में उकसाया। ये कड़वी सच्चाई है कि देश में इतने काबिल लॉयर्स हैं कि जिन्होंने यहाँ तक कि चीफ मिनिस्टर को भी जेल करवा दिया है। उस सिस्टम में यहाँ इतने सिंसियर लॉयर्स हैं जो अपने सिद्धांतों को पैसों से काफी ऊपर रखते हैं। न्याय के लिए अपनी जान देने वाले जिम्मेदार लॉयर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसी सोसाइटी में कुछ ऐसे लॉयर्स भी हैं जो पैसा कमाने से बाज नहीं आते हैं, इसीलिए हमेशा पैसे के लिए काम करने के बजाय आइए हम समाज के लिए कुछ अच्छा करें। पहले क्रिमिनल्स अपने लॉयर्स के दम पर बेल पर बाहर आ जाते थे, लेकिन अब क्रिमिनल्स अपने लॉयर्स से डरेंगे। मैं कहूंगा कि हम विवेक के केस को एक एग्जांपल बनाते हैं। पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन हमारे ज्यूडिकल सिस्टम का मजाक ना बना पाए तो मैं कहता हूं कि चलो इस कमर्शियल गेम को रोकते हैं। तो आप मेरा केस संभालने? नहीं अंकल, मैंने नोटिस किया कि जब आप आ रहे थे तो मेरी कमर को कैसे घोर रहे थे। मैं कमर नहीं देख रहा था। आप ये सिले एक्सक्यूज दे रही है क्योंकि तुम सब मुझे फांसी पर लटकाना चाहते हो उस क्राइम के लिए जो मैंने किया ही नहीं है। नहीं, ये उस क्राइम के लिए है जो आपने 25 साल पहले किया था। तब लकी के पापा ने आपको 6 महीने की जेल की सजा सुनाई और इन सबको मिलाकर टोटल करने के बाद जो रिजल्ट आया उसकी सजा मौत है। आपको एक बेसहारा बेचारी लड़की ने श्राप दिया था। अब आपको कोई नहीं बचा सकता। टाइम ही बताएगा आगे क्या होगा। तुम बिल्कुल उसकी तरह बोल रही हो। वो शुरू में खुद को विलनु बोल रहा था, अब पूरा सिस्टम बदलना चाहता है और हीरो बन जाना चाहता है। तुम्हें लगता है कि मैं सब देखता रहूंगा? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जब ऑडियंस थिएटर से घर निकलेगी तो बस मुझे ही याद रखेगी। ग्रेट आंध्रा, तेलुगु 360, तुपाकी, तेलुगु 123, मिर्ची 9 और आइडल ब्रेन, मैं उनसे बस अपने रिव्यूज लिखने पर मजबूर कर दूंगा। अंकल, मुझे फिर से अंकल कहो। अंकल, चुप करो, चलो। मिस्टर विवेक, उसकी तरफ से सारे सबूत, गवाह और एग्रीमेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। अगर आपको कुछ कहना है तो अपने लॉयर के साथ एग्रीमेंट कर सकते। अगर मुझे लॉयर मिल जाता तो मैं इतना परेशान क्यों होता। भगवान को आप जैसे लोगों की जरूरत नहीं है मुझे दोषी साबित करने के लिए। मेरी बनाई गई दुनिया में तुम सब छोटे छोटे कीड़े हो, छोटे छोटे छोटे। इन सब दिनों में मुझे लगा कि मैं भगवान का दूत हूँ, लेकिन मुझे अभी पता चला कि मैं खुद भगवान हूँ। किसी मकसद के लिए आया हूँ। क्या तुम मेरे चारों तरफ रोशनी नहीं देख पा रहे हो? और जैसे नेचर ने कोरोना वायरस बनाया, चाइना की मदद लेकर पूरे सृष्टि में फैलाया और धरती से कूड़े कबाड़े को कद तक खत्म कर दिया, उसी तरह मैंने लकी की वजह से इस वायरस को जड़ से ढूंढ निकाला जो अपनी लीगल सिस्टम को जड़ से बर्बाद कर रही थी, एकदम जड़ से बर्बाद कर रही थी। अब धरती पर मेरा वक्त खत्म हो गया है, इसलिए मुझे बिना देर किए मौत की सजा सुना दो और इस मानव जीवन से मुक्ति दे दो। सारे सबूतों को देखने के बाद सर, सुबले का सुधाकर है? इस पापी को सजा सुनाकर पाप के भागी मत बनो। मैं खुद अपनी मौत की सजा पढ़ूंगा, मैं इसे खुद खत्म करूंगा। बोलो बोलो। सर्वे जना सुखी भवंतु मेरे अलावा। पापा,
मैंने गलती कर दी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने तुम्हें गलत समझा जबकि गलत तो मैं था। अगर आप ऐसे मुड़कर चले जाएंगे तो ये कैसे सही है? और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बस तुम्हारा हाथ पकड़कर माफी मांगना चाहता हूँ। ऑडियंस को ऐसे घिसे पिटे और ड्रामेटिक डायलॉग्स पसंद नहीं है। तुमने मेरे बिना क्लाइमेक्स को अच्छे से मैनेज कर लिया। रियल क्लाइमेक्स तो अभी बाकी है।